सुशील जी कोठारी, बीएमई वाइस प्रेसिडेंट महेंद्र जी मेहता, इवेंट कमेटी कन्वेनर और पूर्व अध्यक्ष श्री महेंद्र भाई शाह, बीएमई सिटी चेयरमैन श्री अशोक भाई बाफना, बीएमई गुजरात चैप्टर के प्रेसिडेंट श्री जयेश भाई शाह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शैलेश भाई राठी, वाइस प्रेसिडेंट हितेश भाई वाघेला, बीएमई पूर्व अध्यक्ष रिकभ भाई, हेमंत भाई, रोहित भाई, शीतल जी, सुरेंद्र भाई, शरद भाई आदि माय कलीग डायरेक्टर्स, हमारे अलाइड एसोसिएशन से प्रेसिडेंट ऑफ बीएनएमए श्री सुरेश भाई जैन, प्रेसिडेंट ऑफ एमआरएआई श्री संजय भाई मेहता, प्रेसिडेंट ऑफ मासमा श्री विक्रम दोषी जी, प्रेसिडेंट ऑफ इन्फामा श्री डीके जैन, प्रेसिडेंट ऑफ एनमा श्री घनश्याम भाई, सेक्रेटरी जैन भाई, प्रेसिडेंट ऑफ वाइंडिंग वायर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन श्री विमल जी जलान, चेयरमैन ऑफ कैमेट श्री मोहन भाई गुरनानी, प्रेसिडेंट ऑफ कैमेट श्री दीपेन जी अग्रवाल, प्रेसिडेंट ऑफ फैम श्री जितेंद्र भाई शाह, प्रेसिडेंट ऑफ सूफी श्री निकुंज भाई तुरखिया, प्रेसिडेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील एसोसिएशन श्री सुनील अग्रवाल जी और वीपी रमेश भाई कटोड़िया जी, डिग्निटरीज फ्रॉम एमसीएक्स बीएससी एंड एनएससी, सभी एसोसिएशन के ऑफिस बेयरर्स एवं मेंबर भाई, हमारे आज के विशेष अतिथि एंड कीनोट स्पीकर सीए श्री बिमल जी जैन का तह दिल से स्वागत है। सीए श्री बिमल जी जैन विद अ रिमार्केबल एक्सपीरियंस ऑफ 24 इयर्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन इंक्लूडिंग जीएसटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज, कस्टम्स, वैट, सीएसटी एंड एफटीपी, डीजीएफटी मैटर्स, बिमल जी ब्रिंग्स इमेंस एक्सपर्टाइज टू द टेबल। नोटेबली बिमल जी होल्ड्स prominent positions in esteemed organizations such as PhD Chamber of Commerce, IPM, SOCHM, FICCI, ICSI, ICAI, and ICMA. Bimal ji's contribution extends beyond his professional accomplishment. He had the honor of being a keynote speaker at Guinness World Record event organized by ICSI, where the largest taxation lesson on GST was conducted with an impressive attendance of over 4,500 participants, surpassing the previous record held by Japan. एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। हम सभी उत्सुक है ऐसी अनुभवी व्यक्ति की बातें सुनने और उनके मूल्यवान मार्गदर्शन का लाभ उठाने के लिए। आज के जीएसटी विषयों में स्क्रूटिनी नोटिसेस, असेसमेंट, ऑडिट, इंस्पेक्शन सर्च, सीजर एंड अरेस्ट जैसे सभी मुद्दों के संबंध में बिमल जी हमें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। मैं सभी ऑनलाइन उपस्थित मेंबर भाइयों का धन्यवाद करता हूं जो आज इस वेबिनार में हाजिर है, और थोड़ी ही देर में हमारे प्रवक्ता सीए श्री बिमल जी जैन हमें जीएसटी से जुड़ी समस्याओं पर मार्गदर्शन करेंगे। हमने अंत में एक प्रश्न उत्तर सत्र भी आयोजित किया है जहां आपके सभी सवालों का बिमल जी निश्चित रूप से जवाब देंगे। अपने प्रश्नों को चैट सेक्शन में उठाएं। Q&A सत्र के दौरान हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सुशील जी कोठारी कोऑर्डिनेट करेंगे। हमें सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी प्रश्न दोहराया नहीं जाए और हम इस पर ध्यान दें। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी म्यूट मोड में रहे। तो चलिए सुनते हैं द वन एंड ओनली सीए बिमल जी जैन। धन्यवाद। पढ़ना है कनेक्ट नहीं डाले बिल्कुल। विमल जी ओवर टू यू। बिल्कुल ऑन कर ऑटोमेटिक तो ही ना एंट्री होगा कनेक्ट कराने। हां हम होते हैं। हम सबको म्यूट कर सकते हैं क्या सबसे पहले, क्योंकि देखिए बैकग्राउंड में किसी ने At the outset, let me thank Sandeep ji, who is a president BME. All learned and distinguished managing committee member of BME. And apart from that, all the participants who are joining today on very important topic, scrutiny notices
assessment, inspection, search and seizure, and arrest provision. मैं स्टार्ट करूं इससे पहले मेरी एक सभी से रिक्वेस्ट होगी कि आप सब अपने आप को म्यूट रखेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड में अगर जरा भी आवाज आएगी तो इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम नॉट ओनली फॉर मी एज ए स्पीकर, इवन जितने लोग सुन रहे हैं उन सबको डिस्टर्बेंस होता है. तो हम कोशिश करेंगे कि बीच में हम अपनी आवाज पूरी तरह से बंद रखें. मैं कुछ चार पांच टॉपिक इम्पोर्टेंटली लूंगा. राहुल, ये बैकग्राउंड में कौन बात कर रहा है? इमीडिएटली एक्शन लो. सबसे गुजारिश है संदीप भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा, बड़ा डिस्टर्ब होगा फिर. बिल्कुल सही है बिमल जी. एक्चुअली राहुल, मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, प्लीज आप म्यूट में रहिए, बीच में डिस्टर्बेंस आने से पूरा इवेंट का पता चला जाता है. मैं अभी वो संदीप भाई बात कर रहा हूँ. अरे तो कर रहे हैं, नहीं आ रहा है. संदीप भाई बैकग्राउंड में अभी भी आवाज है और कुछ लोग अभी भी इनो अपने माइक को ने म्यूट नहीं किया हुआ, और इट विल क्रिएट डिस्टर्बेंस नॉट ओनली फॉर मी, फॉर अदर पार्टिसिपेंट्स एज वेल. जो मजा आना चाहिए और जो आपको अच्छा लगना चाहिए वो नहीं लगेगा. चलिए स्टार्ट करें. एट द आउटसेट, आज हम कुछ ऐसे सारे टॉपिक एक साथ डिस्कस करने वाले हैं जहां पे हम जीएसटी में आज की डेट में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं. चूंकि ये प्रोग्राम बॉम्बे मेटल एक्सचेंज लिमिटेड बीएमई करवा रही है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड देता हूं. सीबीआईसी चेयरपर्सन श्री विवेक जोरी जी ने अभी रिसेंटली कहा था कि तीन ऐसे सेक्टर हैं जहां पे फेक रजिस्ट्रेशन लिए गए और फेक क्रेडिट को पास ऑन किया गया. और तीन वो कौन से सेक्टर है मैं आपको बता दूं. एक मेटल स्क्रैप में जो डील करते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. दिक्कतें दोनों तरफ हैं, ऐसा नहीं है कि दिक्कत सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ है, दिक्कत हमारी तरफ भी है. बट उन्हें तीन सेक्टर जिनके नाम लिए वो मैं आपसे बोल दूं. एक उन्हें प्लास्टिक स्क्रैप वालों को भी पकड़ा और उन्हें कहा कि ये जो इंडस्ट्री है इसमें कईयों ने फेक रजिस्ट्रेशन लिए और फेक रजिस्ट्रेशन लेके फेक क्रेडिट पास ऑन की. देखिए फेक रजिस्ट्रेशन कैसे लिए गए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं, और यहां हम आज एक दूसरे के साथ खुल के डिस्कस कर रहे हैं. ऑब्जेक्टिव ये है कि जो जेन्युइन एंड ऑनेस्ट बायर, जो जेन्युइन एंड ऑनेस्ट बायर है उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूं. देखिए एक बार एक क्लाइंट मेरे पास आया जो मेटल स्क्रैप में ही डील करता था और उसका प्रेजेंटली केस चल रहा है. मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको आप ही की सिचुएशन में डाल के मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रॉब्लम दोनों तरफ है.
अब क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूं। ये बंदा मेरे पास आया और इसने मुझसे कहा, बिमल जी मेरे पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी है, आप बायर हैं, रिसिपिएंट हैं, आपके पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी है, आपने गुड्स रिसीव भी किए हैं, गुड्स आपने रिसीव किए हैं और गुड्स रिसीव किए हैं इस बात को प्रूफ करने के लिए इस क्लाइंट ने मुझे ईबे बिल की कॉपी दिखाई, टोल टैक्स जहां से गाड़ी गुजरी, ट्रक गुजरा, उसने उसकी कॉपी भी दिखाई, उसने मुझे एलआर की कॉपी दी और जब माल पहुंचा तो उसने उस ट्रक के साथ ड्राइवर के साथ फोटो भी खींची थी। तो ये चारों चीजें उसने प्रूफ करने के लिए कि बिमल जी मैंने माल रिसीव किया है, वो उसने कॉपी मुझे दिखाई। अब उसके सप्लायर ने, और मान लीजिए मैं उसका सप्लायर बन जाता हूं और आप सब मेरे वही क्लाइंट बन जाइए जिस क्लाइंट की ये दिक्कत है, और वो कह रहा है कि मेरे सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट भी किया है, यानी सप्लायर ने 3B से टैक्स का पेमेंट किया है और एज ए बायर, एज ए रिसिपिएंट आप अपना रेगुलरली GST का रिटर्न भी भरते हैं। उसके यहां सर्च हुई और सर्च में डिपार्टमेंट ने उनसे कहा कि तुमने फेक क्रेडिट ले रखी है, फेक क्रेडिट, अब ये नया नाम बाजार में चल रहा है, अभी फेक क्रेडिट है क्या समझ में तो आता नहीं है, लेकिन दिक्कत चल रही है, फेक क्रेडिट ली है। तो कितने की ली है मैं बता दूं, 60 करोड़ रुपए, 60 करोड़ रुपीज का एलिगेशन लगाया कि तुमने 60 करोड़ की फेक क्रेडिट ली है। और डिपार्टमेंट का ये कहना था चूंकि आपने फेक ली है तो आपको ये 60 करोड़ वापस करने पड़ेंगे अलोंग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% और पेनल्टी भी आपको देनी पड़ेगी क्योंकि ये फ्रॉड का केस है। क्लाइंट जब मेरे पास आया उसने कहा, बिमल जी देखिए मेरे पास वो सारे डॉक्यूमेंट हैं, मैं दिखा सकता हूं के सारे डॉक्यूमेंट के जरिए मेरे पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी है, गुड्स रिसीव किया है, ईबे बिल की कॉपी है, ट्रक जो टोल से निकला था टोल टैक्स की रिसीट भी मेरे पास है, मैंने वेगमेंट स्लिप भी करवाई थी वो भी मेरे पास है, मैंने ट्रक का विद ड्राइवर फोटो भी लिया है और मेरा सप्लायर 3B के जरिए टैक्स का पेमेंट भी कर रहा है और मैंने बैंक के जरिए सप्लायर को पेमेंट किया है, कोई कैश का ट्रांजेक्शन भी नहीं है, मैंने बैंक के जरिए अपने सप्लायर को पेमेंट किया है। अब आप बताइए डिपार्टमेंट मेरे ऊपर ये एलिगेशन क्यों लगा रहा है कि फेक क्रेडिट है। मैं इसके आगे बढ़ू, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, आप चैट बॉक्स में डालिएगा, अगर ये सारी चीज आपके पास है तो क्या डिपार्टमेंट आपकी क्रेडिट को डिनाई कर सकता है, यस और नो बोलना है आपको चैट बॉक्स में, आपको माइक को म्यूट रखना है और चैट बॉक्स में यस या नो करना है, बताएं प्लीज। हाँ बिल्कुल, अब आप जो डाल रहे हैं बहुत अच्छी बात। देखिए संदीप भाई आपने मुझसे कहा था कि मुझे हिंदी इंग्लिश में मिक्स बोलना है, पक्का कुछ यू नो पार्टिसिपेंट्स हैं वो चाहते हैं मैं इंग्लिश में बोलूं तो मेरी रिक्वेस्ट होगी। देखिए हम सब व्यापारी भाई हैं, जितना अच्छा हिंदी में समझ में आता है ना उतना इंग्लिश में समझ में नहीं आता। इंग्लिश में हम कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं, मुझे कोर्ट में आर्ग्यू करने दीजिए, यहां तो आप अपने हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है तो मेरे साथ एंजॉय कीजिए, मैं इतनी कॉम्प्लिकेटेड हिंदी भी नहीं बोल रहा कि आप नहीं समझ पाएंगे, सो मेरी ओनली गुजारिश ही होगी एंजॉय कीजिए। तो देखिए एक क्लाइंट का केस था 60 करोड़ रुपए का। अब देखिए इसमें दोनों बातें हो सकती हैं, मैं पहले डिपार्टमेंट की तरफ से बता दूं और जिनने कहा कि हाँ ये फेक क्रेडिट हो सकती है उनकी तरफ से बता दूं। देखिए इसमें फेक क्या था मैं आपको बताता हूं, आप सब बायर थे, आपने बिमल जैन से माल लिया,
बिमल जैन ने अपना जीएसटीआर 1 भरा जो आपके 2A और 2B में भी आ रहा है। डॉक्यूमेंट तो सारे आपके पास हैं, आपने बैंक के जरिए पेमेंट भी मुझे किया है, बट प्रॉब्लम क्या हुई है सप्लाई चेन में कि बिमल मान लीजिए एक से माल लेता था, एक्स ए से लेता था, ए अब ए ने क्या किया था, ए ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन लिया था जीएसटी में और उसने इनवॉइस फाड़े थे। फाड़ना का मतलब तो अब आप सब समझते होंगे, हिंदी पूरा इंडिया समझता है इनवॉइस फाड़ने का मतलब क्या होता है, सिर्फ इनवॉइस रेज किया गया था और ए ने सिर्फ जीएसटीआर 1 भरा था और ये क्रेडिट एक्स को 2A में मिल गई थी क्योंकि ए ने जब 1 भरा तो एक्स के 2A में आ गया। एक्स ने क्या किया, इसी क्रेडिट को यूज किया और अपने 3B का पेमेंट किया जो बिमल जैन के पास आ गई। अब बिमल ने भी इसी क्रेडिट को यूज किया और आपको इनवॉइस रेज किया और आउटवर्ड टैक्स का पेमेंट किया थ्रू जीएसटीआर 3B। अब इस पूरे ट्रांजैक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ए, जिसने सिर्फ 1 भरा है, 3B नहीं भरा था, यानी गवर्नमेंट को तो टैक्स का पेमेंट, गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट मिला ही नहीं। अब गवर्नमेंट आपके पास आती है और आपसे कहती है कि आपने जो क्रेडिट ले रखा है वो फेक क्रेडिट है, वो इसलिए फेक क्रेडिट है कि इस सप्लाई चेन में कोई ए हुआ करता था, ए जिसने से फेक रजिस्ट्रेशन लिया और 1 भरा है, 3B कभी भरा ही नहीं, उसने कभी नहीं भरा, टैक्स का पेमेंट हुआ ही नहीं, तो वो आपसे कहती है कि आपको ये क्रेडिट नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट की ये बात तो समझ में आती है, गवर्नमेंट सही कह रही है क्योंकि उनको टैक्स का रेवेन्यू नहीं मिला। अब आप चूंकि मेरे क्लाइंट हैं, आप मेरे पास आए और आप सारे डॉक्यूमेंटेशन मुझे दिखा रहे हैं और सारे डॉक्यूमेंट यही कहते हैं कि आपने जब बिमल से माल लिया था तो आपकी ट्रांजेक्शन जेन्युइन थी। अब मैं आपको डिफेंड करता हूं, आपको डिफेंड करता हूं कि आपकी क्रेडिट फेक नहीं है। फेक क्यों नहीं है वो समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आज अगर आप बिमल जैन से माल लेते हैं तो बिमल अपना जीएसटीआर 1 भरता होगा जो आपके 2A और 2B में आ जाता होगा, बिमल अपना 3B भर रहा है जिसका स्टेटस आपको 2A 2B में दिखता होगा कि आपका सप्लायर का स्टेटस उसने 3B भरा है। अब मैं पूछता हूं और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज की डेट में, क्या आप लोग बिमल जैन के बियॉन्ड जाके एक्स ने क्या किया, ए ने क्या किया, क्या आप देख सकते हैं, क्या क्या आपको मालूम पड़ेगा, से यस एंड नो, इतना ही बताइए। आप तो सिर्फ बिमल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन देख पाएंगे जीएसटीएन पोर्टल पे। एक्स ने क्या किया, ए ने क्या किया, आपको आप लोग कह रहे हैं नहीं देख पाएंगे, चैट बॉक्स में आप लोग नो भी डाल रहे हैं। तो अब आप बताइए, आपने इसमें कहां चोरी की, आपने तो जेन्युइनली बिमल से माल लिया है और बिमल ने जेन्युइनली इनवॉइस रेज किया है और माल सप्लाई किया है, माल लेने का सारे प्रूफ हमारे पास है आज की डेट में। अब बिमल के बियॉन्ड जाके कोई ए हुआ करता था जिसकी ट्रांजेक्शन मुझे जीएसटीएन पोर्टल पे दिखती नहीं है, तो आप बायर से कैसे कह सकते हैं कि तुम चोर हो और तुम्हारी क्रेडिट फेक है। आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, से यस एक बार चैट बॉक्स में यस बोलिए तो मुझे लगेगा हाँ जितना मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं आपको मेरी बात समझ में आ रही है। एक ऐसा ही केस आपको और ऐड करता हूं मैं आपको,
मान लीजिए आपने मुझसे माल लिया और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चीजें हैं आपके पास, और मान लीजिए हमारा ट्रांजेक्शन हुआ जुलाई 2018 में, मान लीजिए ज़ूम कर लीजिए जुलाई 2018 में हमारा ट्रांजेक्शन हुआ। अब जुलाई 2018 में हम दोनों एक्टिव नंबर थे, सप्लायर एंड बायर दोनों एक्टिव नंबर थे। 2022 में सप्लायर के यहां सर्च होती है, मेरे यहां सर्च होती है, और सर्च में पाया जाता है कि सप्लायर नॉन एग्जिस्टेंट है, उसका तो अता पता ही नहीं है, सप्लायर का अता पता ही नहीं है। मेटल इंडस्ट्री में मुझे एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंगली समझ में आई, आप लोग चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपकी इंडस्ट्री में ब्रोकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ब्रोकर ही आपका सप्लायर आइडेंटिफाई करता है और ब्रोकर ही बायर आइडेंटिफाई करता है। ब्रोकर ने जिससे कह दिया आपने उससे माल ले लिया, ऐसा मुझे बताया गया है। मैं अगर सही हूं तो आप यस बोलिए और नहीं हूं तो ना भी कर सकते हैं, जितना मुझे मालूम है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो ठीक है, यस टू सम एक्सटेंट मान लेते हैं, यस टू सम एक्सटेंट। अब जब आपने माल लिया था सप्लायर से तब आपको सप्लायर के बारे में सब कुछ मालूम था, बिमल के बारे में सब कुछ मालूम था 2018 में, जुलाई 2018 में आपको सब मालूम था, लेकिन 2022 में बिमल का अता पता नहीं है, बिमल का कोई अता पता नहीं है, बिमल गायब, नॉन एग्जिस्टेंट आज की डेट में। अब डिपार्टमेंट आपके पास आता है, आपके यहां सर्च करता है और आपसे बोलता है कि चूंकि आपका सप्लायर नॉन एग्जिस्टेंट है तो आपने जुलाई 2018 में जो बिमल से माल लिया था वो एक बोगस ट्रांजेक्शन थी, बोगस, आपने तो सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए ट्रांजेक्शन किया है, डिपार्टमेंट ऐसा कह रहा है आज की डेट में, डिपार्टमेंट का ये कहना है। अब आप इसमें सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, ये दोनों लोगों के लिए, मैंने कहा ना आज जो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है इसमें जेन्युइन लोग भी हैं और चोर भी हैं, ऐसा नहीं है सब साधु हैं। प्लीज हमें पीठ नहीं थपथपानी, हमारे ही बीच ऐसे लोग बैठे हैं जिनने जम के चोरी की है, मैं उनको बचाने की बात नहीं कर रहा और मैं उनको बचाना भी नहीं चाहता, उन्हीं की वजह से आज प्रॉब्लम हो रही है जेन्युइन एंड उन्हीं की वजह से जेन्युइन एंड ऑनेस्ट टैक्स पेयर को प्रॉब्लम हो रही है आज की डेट में। अब देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं और आप भी एग्री करेंगे, हम लोग करते क्या हैं, चूंकि हम मीटिंग कर रहे हैं खुल के कर रहे हैं तो समझना भी जरूरी है, हम कई बार कैश में माल लेते हैं, क्यों लेते हैं मालूम है, जीएसटी लगता नहीं, रेट भी चीपर लगता है, और इनवॉइस अपने पड़ोसी से ले लेते हैं, और इनवॉइस पे जो जीएसटी का रेट होता है वो दोनों हिंदी चीनी भाई भाई मिलके खाते हैं, जबकि गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिला ही नहीं। यानी हमारे बीच लोगों ने बैठ के ये ड्रामे भी किए हैं। अब जिनने कैश में माल लिया और इनवॉइस पड़ोसी से ले लिया, अगर उनके यहां कभी सर्च हो जाए तो आप देखिएगा, क्योंकि वो भी ऐसे ही करते होंगे, कैश में बेचते होंगे और इनवॉइस किसी और को फाड़ रहे होते हैं, आपने देखा होगा उनके केस में बुक स्टॉक और फिजिकल स्टॉक कभी मैच नहीं करता, कभी मैच नहीं करता, बुक से उनका फिजिकल स्टॉक कभी मैच नहीं करेगा, तब वो अपने प्रोफेशनल के पास भागे भागे आते हैं, बोले आज तो वो रेड हो गई हमारे यहां और वो मेरा बुक स्टॉक और फिजिकल स्टॉक मैच नहीं करता, नहीं करेगा ना सर, क्वाइट ऑब्वियस है, क्योंकि हमने तो लीपा पोती कर रखी है ना, तो बुरा भी नहीं मानना है। हमारे बीच ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों ने ये काम किया है
और उन्हीं की वजह से आज जेन्युइन एंड ऑनेस्ट टैक्स पेयर को प्रॉब्लम हो रही है। चलिए मैं अपने ट्रांजेक्शन पे वापस लौटता हूं कि जुलाई 2018 में आपने मुझसे माल खरीदा था, तब हम दोनों जेन्युइन थे, विश्वास मानिए मैं जेन्युइनली एग्जिस्ट करता था और आप भी मेरे ऑनेस्ट बायर हैं। अश्विनी जी आपको अपनी आवाज को म्यूट करना पड़ेगा। चलिए अब आप समझने की कोशिश कीजिए, जब आपने जुलाई 2018 में मुझसे माल लिया था तब बिमल ने 1 भी भरा था, आपके 2A में भी आ गया, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं। 2022 में बिमल के यहां सर्च होती है और बिमल को नॉन एग्जिस्टेंट पाया जाता है, डिपार्टमेंट चला गया आपके पास और आपसे बोलता है ये क्रेडिट आपको अब रिवर्स करनी पड़ेगी, वो भी अलोंग विथ इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि आपके सप्लायर का रजिस्ट्रेशन रिट्रोस्पेक्टिव डेट से यानी जुलाई 1, 2017 से कैंसिल कर देते हैं, वो सप्लायर का रजिस्ट्रेशन, क्योंकि सप्लायर हो सकता है टैक्स कॉम्प्लायंट ना हो, सप्लायर प्रॉपरली अपना 1 नहीं भर रहा, 3 भी नहीं भर रहा, या सप्लायर के एंड पे मिस्टेक है, लकुना है, तो सप्लायर का रजिस्ट्रेशन उन्हें कैंसिल कर दिया। और चूंकि सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया तो वो बायर से कहते हैं तुझे क्रेडिट नहीं मिलेगी। अब मैं आपको एक और चीज कहूं और आपको मुझे आंसर देना है यस एंड नो करके चैट बॉक्स में। पहली बात, एक केस कलकत्ता हाई कोर्ट में गया, LGW इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉलोड बाय संचिता कुंडू फॉलोड बाय गर्गो ट्रेडर्स, 3 केसेस मैंने आपको कलकत्ता हाई कोर्ट के साइट किए। उड़ीसा हाई कोर्ट ब्राइट स्टार प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैंने ये भी आपको कोर्ट किया। अब इस केसेस में हुआ क्या मैं आपको बताता हूं और जजमेंट क्या आया। डिपार्टमेंट ये कहता था कि आपको क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी बायर को, जो बायर जो पिटिशनर है उसने कोर्ट में कहा मिलोर्ड जब मैंने जुलाई 2018 में ट्रांजेक्शन किया था तब हम दोनों एक्टिव नंबर थे, सप्लायर एंड बायर। सप्लायर अपने रिटर्न भरता था मिलोट, 1 भी भरता था, 3 भी भरता था और उसने टैक्स का पेमेंट किया है मिलोट जुलाई 2018 में, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी मिलोट। अब 2022 में आपने सप्लायर के यहां चेक किया या विथ रिट्रोस्पेक्टिव डेट आपने सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया और अब आप कहते हैं कि जुलाई 2018 में जो ट्रांजेक्शन हुई थी वो बोगस थी, मिलोड ये कैसे हो सकता है? या तो डिपार्टमेंट ये प्रूव करे कि ये सप्लायर और बायर इन कनाइवेंस आप समझ गए होंगे, हैंड इन ग्लोव्स, चोर हैं आपस में। कई बार हम बोलते हैं ना हिंदी चीनी भाई भाई, सर ये जस्ट एलिगेशन लगाएंगे इससे काम नहीं चलेगा मिलोट, डिपार्टमेंट को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि बायर जो रिसीपिएंट है उसे ये सारी जानकारी थी कि सप्लायर नॉन एग्जिस्टेंट है जब ट्रांजेक्शन हुआ था जुलाई 18 में, या सप्लायर का जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ विथ रिट्रोस्पेक्टिव डेट जुलाई 18 में उसको कहां से मालूम था मिलोट, अगर 22 में विद रिट्रोस्पेक्टिव डेट अगर सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा तो जुलाई 18 में वो बेचारा कैसे जाएगा एज ए बायर। तो एक सेक्शन 155 होता है सीजीएसटी एक्ट में,
जो बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है, बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब बायर को ये प्रूफ करना पड़ता है कि उसने जो माल खरीदा है वो जेन्युइन है, ऑनेस्ट है। तो मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया, पहला मैंने दिया था कि आप अपने सप्लायर के बियॉन्ड जाके कुछ नहीं देख सकते। जब आप कुछ देख ही नहीं सकते तो एक कॉन्सेप्ट आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, एक सुप्रीम कोर्ट का सेटल्ड लीगल ज्यूरिसप्रूडेंस है। यू कैन नॉट कंपेल ए पर्सन टू डू समथिंग इम्पॉसिबल। उसको लैटिन में बोलते हैं लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबिलिया। आप बायर हैं, आप सिर्फ बिमल की ट्रांजेक्शन को चेक कर सकते हैं, बिमल से बियॉन्ड जाके नहीं देख सकते। पहला वाला मैंने केस आपको ये बताया। दूसरा वाला मैंने केस बताया कि सर आज 22 में अगर आप कोई एक्टिविटी सर्च करते हैं सप्लायर की, और 22 में आप उसका रजिस्ट्रेशन अगर रिट्रोस्पेक्टिव डेट बैक डेट से कैंसिल कर देते हैं, तो उससे जुलाई 18 की ट्रांजेक्शन बोगस नहीं हो जाती। डिपार्टमेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि हम दोनों हिंदी चीनी भाई भाई हैं। जस्ट एलिगेशन लगाने से काम नहीं चलेगा। प्लीज आप लोगों को मेरी ये वाली बात समझ में आई, प्लीज बताइए। अगर आपको मेरी बात समझ में आई, आपको यस करना है चैट बॉक्स में, तो जिससे मुझे लगे कि हाँ आपको मेरी बात समझ में आ रही है और आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से। चलिए, बहुत अच्छी बात, आप लोग सब समझ पा रहे हैं। ये मैंने आपको दूसरी बात समझाई। अब मैं आपको एक तीसरे सब्जेक्ट मैटर पे लेके आता हूँ, तीसरे सब्जेक्ट मैटर पे। आज डिपार्टमेंट हमारे यहाँ कब इंस्पेक्शन करने आता है और कब सर्च करने आता है? बिमल जी, आपने दो मेटल और प्लास्टिक बताया, तीसरा एक चैप्टर आपका रह गया भाई। मैं भी कुछ तो लास्ट में भी बताऊंगा ना रोहित भाई। ओके सर, नो प्रॉब्लम, गो अहेड, सॉरी। हाँ, अगर आपको पहली पिक्चर में एंड दिखा दूंगा तो फिर लास्ट तक पिक्चर कौन देखेगा? तो आप चिंता मत कीजिए रोहित भाई, बड़ा मजा देने वाला हूँ आप लोगों को। आज आपको ऐसा लगेगा कि यार हम तो आज यहाँ पे आए थे, हमने सोचा कोई जीएसटी के बस प्रोविजन बताएगा हमें, सारे जीएसटी के प्रोविजन सुनाएगा हमें, लेकिन हमें क्या मालूम था, हमारे घर का ही बंदा आके हमको समझाने की कोशिश कर रहा है। तो रोहित भाई चिंता मत कीजिए, बस मेरे साथ चलते रहिए आप, ठीक है? चलिए, अब मैं आपको कुछ सिचुएशन बताता हूं कि हमारे यहां इंस्पेक्शन और सर्च कब हो सकती है। तो अगर आपको अपना ये प्रोविजन ध्यान रखना है कि मेरे यहां डिपार्टमेंट कब आ सकता है और कब मेरे यहां सर्च हो सकती है और सीजर हो सकता है, तो कुछ गुरु मंत्र देना चाहता हूं आप लोगों को। आप लोग बिजनेसमैन हैं, आपके खुद के चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे जो आपका काम देखते होंगे, जो भी टैक्स प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही नाम क्यों लूं, जो भी होंगे आपका वो काम देखते होंगे टैक्स प्रोफेशनल। देखिए, आपकी चार सिचुएशन है, चार इमीडिएट सिचुएशन है जहां पे सेक्शन 67 में आपके यहां इंस्पेक्शन या सर्च हो सकती है। अच्छा, इंस्पेक्शन और सर्च का ऑर्डर कौन देगा? इंस्पेक्शन और सर्च का ऑर्डर देगा एनी प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर। तो आप सब ध्यान रखिएगा, अगर आपके यहां अगर कोई भी सीजीएसटी डिपार्टमेंट या एसजीएसटी डिपार्टमेंट आपके यहां सर्च पे आता है, तो सबसे पहले वो एक ऑथोरिटी लेटर लेके आएगा, उसका नाम है INS 01, जीएसटी INS 01। और उसको कौन ऑथोराइज करेगा? ए प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, यानी जॉइंट कमिश्नर अपने से नीचे अधिकारी को, ऑफिसर को,
वो डीसी भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है, एसआईओ हो सकता है, इंस्पेक्टर हो सकता है, उनको ऑथोराइज करेगा कि हाँ भाई तुम इनके यहाँ जाओ इंस्पेक्शन और सर्च करो। अच्छा कब करेगा? नेक्स्ट सिचुएशन ये आती है कि वो जब जहां चाहे मुंह उठा के चले जाएंगे क्या? ना ना ना, प्रोविजन बोलता है इफ दे आर हैविंग रीजन टू बिलीव। प्लीज, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है रीजन टू बिलीव, उसे लगता है कि आप चार केस में इन्वॉल्व्ड है। अब चार केस क्या होते हैं समझ लीजिए। पहला केस, आप अपनी टैक्सेबल सप्लाई जो आउटवर्ड सप्लाई हो रही है उसको सप्रेस किया आपने। सप्रेस कहने का मतलब 100 रुपए की सप्लाई थी और आपने उसको 50 रुपए दिखाया। इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, या तो आपने रेट के साथ छेड़खानी की, मान लीजिए कोई 18% का आइटम है और आपने 5% लगा दिया, जो क्लासिफिकेशन का डिस्प्यूट होता है। और दूसरा, आप जानबूझ के 100 रुपए में माल बेच रहे हैं लेकिन 50 का इनवॉइस रेज करते हैं। और 50 आप समझ गए होंगे ना, समझाने की जरूरत नहीं है आपको। अगर डिपार्टमेंट ने पकड़ा कि आप सप्रेस कर रहे हैं और रीजन टू बिलीव, यानी उनके पास कुछ ऐसे ऑथेंटिकेटेड मटेरियल एंड डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके अगेंस्ट में, अगर आपके यहां इंस्पेक्शन और सर्च हो रही है तो। लेकिन अगर आप जेन्युइन और ऑनेस्ट हैं और आपको लगता है मेरे यहां चोरी तो एक पैसे की नहीं हो सकती, मुझे तो परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो मैं आपसे कहता हूं इवन आप रिट कोर्ट में जा सकते हैं और चैलेंज कर सकते हैं कि आपके यहां जो इंस्पेक्शन और सर्च हुई है उसमें उनके पास कोई कॉन्क्रीट मटेरियल नहीं था। आई होप आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई है तो यस लिखिए चैट बॉक्स। लगे कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो थोड़ी मेहनत भी कीजिए। आपको यस ही लिखना है, मैं तो पूरा लॉ भी लिखने नहीं बोल रहा आपसे। कम से कम जब हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो प्रॉपर एंजॉयमेंट भी करें, मुझे भी लगे कि हाँ मैं जिनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो मेरी बात समझ पा रहे हैं। आप देखिए, मैं एक चीज और बताऊं इसमें। अगर रेट का डिस्प्यूट है 5% 18%, वो तो टैक्स इवेजन नहीं हो सकता, वो इंटरप्रिटेशन का इश्यू हो सकता है कि मेरे हिसाब से मैं टैक्स पेयर हूं, 5% लगेगा, डिपार्टमेंट बोलेगा नहीं नहीं इस पे 18% लगेगा, तो ये टैक्स इवेजन नहीं है, इसको हम सप्रेशन नहीं कहेंगे, इसके ऊपर इंस्पेक्शन और सर्च नहीं हो सकती, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। सुरेश जी जो भी यहां, ठीक है ठीक है, हाँ जी, तो यानी इंटरप्रिटेशन का अगर इश्यू है तो उसको हम सप्रेशन नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। अब दूसरा कौन सा केस है जब वो आपके यहां इंस्पेक्शन और सर्च कर सकते हैं? जब आप एक्सेस स्टॉकिंग द गुड्स विद एन इंटेंशन टू इवेड टैक्सेस। एक्सेस कहने का मतलब मेरा बुक स्टॉक ज्यादा है और फिजिकल कम है, और ये तभी होता है जब हम यहां पे मिसमैच क्रिएट करते हैं कि कैश में खरीद रहे हैं इनवॉइस ले रहे हैं, कैश में बेच रहे हैं इनवॉइस फाड़ रहे हैं, तो किसी भी एक्स डेट पे हमारी रिकंसिलिएशन नहीं होती और उसी दिन वो सच वाला आ जाए, वो पकड़ लेगा। तो ये प्रॉब्लम होती उनके यहां है, लेकिन कई बार जेन्युइन एंड ऑनेस्ट टैक्स पेयर होते हैं, वो बोलते हैं जैन साहब नहीं नहीं हमारा सारा पक्का है, बट क्या होता है कि हमारी 7 दिन की एंट्री चढ़ाना रह गई है,
बुक्स में 7 दिन की एंट्री चढ़ाना रह गई है, अगर मैं इसको चढ़ा दूंगा तो मैच कर जाएगा, तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है, आप बताइए, मैं आप सबसे पूछता हूं, घबराहट होती तभी है जब घर में चोर होता है, मैं सही कह रहा हूं ना? आप लोग यस कीजिए, वरना घबराहट नहीं होगी। दिल में धड़कन बढ़ती तभी है जब चोरी करके बैठे हैं। तो सर ये सेकंड पॉइंट था, तो मैंने आपको बता दिया अगर एक्सेस स्टॉक भी है, लेकिन अगर आप कंफर्म्ड हैं कि हाँ एंट्री चढ़ाना रह गया है, तो हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। अब तीसरा मैटर है, आप जीएसटी क्रेडिट एक्सेस क्लेम करते हैं, एक्सेस क्लेम करते हैं। अब ये तो पूरे इंडिया की प्रॉब्लम हो रखी है सर, पूरे इंडिया की प्रॉब्लम। आए दिन आपने देखा होगा डिपार्टमेंट आपको नोटिस इश्यू करता है। संदीप भाई, मैं संदीप भाई का नाम ले रहा हूं, पर आप समझिए मैं आप सभी का नाम ले रहा हूं। आप ये मत समझिएगा कि मैं संदीप भाई का नाम लिया तो संदीप भाई का नाम इसलिए लिया है जब मैं आप सबको पुकार रहा हूं। आज के डेट में डिपार्टमेंट देखिए नोटिस भेजता है, मान लीजिए आपने 3B में, जीएसटी या 3B में 10 लाख रुपए की क्रेडिट ले ली, 10 लाख रुपए की, बट आपके 2A में 5 लाख आ रही है, सिर्फ 5 लाख रुपए आ रही है, तो 5 लाख का मिसमैच हो गया ना। और डिपार्टमेंट हमें नोटिस भेजता है और हमसे कहता है कि संदीप भाई ये 10 लाख की जो क्रेडिट आपने ली है ना, नहीं मिलेगी, क्योंकि 2A में नहीं आ रही, 2A में 5 आ रही, हम तो 5 देंगे आपको। संदीप भाई आपके यहां कोई गेस्ट हैं, उनको सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन अभी ही करने हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं। तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है और बोलता है कि 5 लाख की क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आपके 2A में नहीं आ रहा। अब मैं आप सबसे पूछता हूं, आप लोग मुझे बताइएगा कि मान लीजिए आपका सप्लायर मैं हूं और आप हैं, आपने 10 लाख की क्रेडिट अपने 3B में ली है, बट आपके 2A में 5 लाख दिख रहा है और डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज रहा है कि आपको 5 लाख रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स नहीं अलोंग विद इंटरेस्ट और पेनाल्टी भी मांगता है वो, तो बाकी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। अगर आपको लगता है क्रेडिट नहीं मिलेगी तो यस कीजिए, और आपको लगता है नहीं नहीं सर 2A से मुझे नहीं देखना, मैं तो मेरे पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी है, मैंने माल गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव किए हैं, मेरे सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट किया है और मैं रेगुलरली जीएसटी का रिटर्न भरता हूं, मेरे 2A में आए चाहे नहीं आए मुझे क्रेडिट मिलेगी। तो अगर मेरी इस बात से कितने लोग सहमत है कि 2A में मैच करेगा तभी होगी, आप बताइए 2A से मैच करेगा तभी होगी क्या? यस और नो कीजिए। ओके, आप लोग कुछ हाँ कर रहे हैं कुछ ना कर रहे हैं, करिए, जरूर कीजिए, करने से हम एक जगह अलाइनमेंट होंगे, हम एक जगह एक दूसरे को समझ पाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, तो नितिन गुप्ता जी हैं, मैं आपको अब कुछ गुरु मंत्र दे रहा हूं, आपको मेरे हिसाब से 2A से मुझे मैच नहीं करना सर, नहीं करना मुझे। अच्छा मैं एग्जांपल दूं फिर मैं आपको जस्टिफाई करता हूं, पहले एग्जांपल दूं। डिपार्टमेंट तो कहता है कि हमने एक्सेस क्रेडिट ले ली, डिपार्टमेंट का तो यही एलिगेशन है कि 5 लाख की मैंने एक्सेस ले ली क्योंकि 2A में नहीं आ रहा। पर मेरे हिसाब से मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे 2A से मैच करना ही नहीं है। कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने करता हूं, फिर आप मुझे बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे और इसमें हम सब चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट करेंगे।
देखिए अभी हम कम्युनिकेशन तो सबसे नहीं कर सकते, चैट बॉक्स के जरिए करेंगे। मान लीजिए मैं आपका सप्लायर हूं और आप मेरे बायर हैं, बी टू बी सप्लाई थी, रजिस्टर्ड सप्लायर टू रजिस्टर्ड रिसीपिएंट। मैंने जब अपना GSTR 1 भरा तो गलती से इसको मैंने बी टू सी दिखा दिया, तो आपके 2A में आएगा क्या? यस और नो कीजिए। आपके 2A में आएगा क्या? यस या नो कीजिए प्लीज। मैं आपसे चैट बॉक्स में आंसर जानना चाहता हूं, आएगा क्या? सर नहीं आएगा, नहीं आएगा सर, नहीं आएगा सर। उसके अंदर मुझे आपका जीएसटी नंबर डालना था। सेकंड एग्जांपल, अपने GSTR 1 में जब मैं भर रहा था, इनवॉइस मेरी आपके पास सही गई है आपके पास, बट मैंने 1 भरते वक्त गलत GSTN नंबर डाल दिया, पड़ोसी का GSTN नंबर डाल दिया, आपके 2A में आएगा क्या? आप बताइए आपके 2A में आएगा क्या, हाँ या ना, ये बताइए आएगा या नहीं आएगा। सर नहीं आएगा, नहीं आएगा आपके 2A, नहीं आएगा। तीसरी सिचुएशन, मैं सप्लायर हूं, मैंने 3B तो भर दिया, 3B टैक्स का पेमेंट कर दिया, लेकिन 1 कभी नहीं भरा। मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए 3B मैंने भरा है बट 1 नहीं भरा, आपके 2A में आएगा क्या? प्लीज बताइए 2A में आएगा क्या? सर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। चौथी सिचुएशन, मैंने दिल्ली से महाराष्ट्र सप्लाई किया था, मुंबई इंटर स्टेट था, IGST चार्ज किया था, IGST की इनवॉइस भी बनाई थी मैंने, लेकिन गलती से 1 भरते वक्त मैंने इसे इंट्रा स्टेट दिखा दिया, प्लेस ऑफ सप्लाई मैंने दिल्ली दिखा दी, दिखानी चाहिए थी मुंबई। आपके 2A में आएगा सर, बताइए यस एंड नो, आएगा क्या? सर आएगा बट इनएलिजिबल, आएगा बट इनएलिजिबल होगा। So, आपसे, आप लोग बिजनेसमैन हैं, मैं नहीं चाह रहा कि आप लोगों को इतना मालूम होना चाहिए, बट अब ये जरूरी है। देखिए ये चारों एग्जांपल जो मैंने आपसे डिस्कस किए, B2B B2C दिखा दिया मैंने, गलत टिन नंबर डाल दिया मैंने, 1 भरा नहीं 3B भरा था मैंने, इंटर स्टेट थी इंट्रा दिखा दिया मैंने, आपकी क्या गलती है? आपकी कोई गलती है क्या? बायर की कोई गलती है क्या? बताइए आपकी कोई गलती है? से यस एंड नो की गलती है हमारी, बताइए आपकी कोई गलती है क्या? कोई गलती नहीं है सर, कोई गलती नहीं है। और अब मैं आपको आंसर देता हूं, अब आपको आंसर देता हूं। एक मैं प्रोविजन बता दूं कि प्रोविजन में 2A से मैच करना है, ऐसा 16 सबसेक्शन 2 में कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। यानी सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में जहां हम चार कंडीशन देखते हैं क्रेडिट लेने के लिए, वो चार कंडीशन क्या है मालूम है? आपके पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए, तो वो तो है आपके पास। सिर्फ 1 भरते वक्त गलती कर दी है सप्लायर ने, B2B की इनवॉइस रेज की है उसने, करेक्ट GST नंबर भी डाला है, इनवॉइस पक्की है, लेकिन 1 भरते वक्त गलती हो गई थी सप्लायर से। आपने गुड्स भी रिसीव किए हैं, सर्विसेज भी रिसीव किए हैं, आपका सप्लाई करेक्टली पे भी कर रहा है, सिर्फ 1 भरते वक्त सप्लायर से गलती हो गई है, और आप करेक्टली रिटर्न भी भर रहे हैं, चारों कंडीशन आपने सेटिस्फाई किए हैं जे बायर, 2A की बात सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 करता ही नहीं है। आई होप 2A का कोई प्रोविजन सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में नहीं है। अब एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दे रहा हूं आपको, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल ने भी यही कहा कि
टू वे ओनली फैसिलिटेशन है. प्लीज, भारतीय एयरटेल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया भारतीय एयरटेल टू वे ओनली फैसिलिटेशन है. अगर आपने चार कंडीशन जो मैंने अभी आपके सामने कही अगर आपने सेटिस्फाई की है तो आपके टू वे में आ रहा है या नहीं आ रहा कोई फर्क नहीं पड़ता. क्रेडिट आपको मिलेगी 100% मिलेगी. और मैंने आपको भारतीय एयरटेल का जजमेंट दे दिया. लेकिन एक चेंज आया 1 जनवरी 2022 से. 1 जनवरी 2022 से. और उस प्रोविजन में उनने कह दिया कि अब जो आप क्रेडिट लेंगे ना 3B में उसको 2B से आपको मैच करना पड़ेगा. 2B नॉट 2A, 2B से मैच करना पड़ेगा. यानी अब हम कंक्लूड करें मैटर को. 2A के लिए कोई प्रोविजन होता नहीं था. सुप्रीम कोर्ट भारतीय एयरटेल ने भी कह दिया 2A फैसिलिटेशन है. 2B जो आया वो प्रोस्पेक्टिव डेट 1 जनवरी 2022 से आया. यानी प्रायर टू 1 जनवरी 2022 अगर डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है या सर्च करता है या इंस्पेक्शन करता है और कहता है कि हमने एक्सेस क्रेडिट ले ली है, ये पूरी तरह से निराधार है. लीगली दे कांट डिमांड इफ वी सैटिस्फाई द कंडीशन. एम आई क्लियर टू ऑल? एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको मेरी बात समझ में आ गई. से यस यस बोल दीजिए एक बार के लिए. आप सभी को करना है यस कि हाँ बिल्कुल विमल जी आपने समझाया. अब ये इसमें चला गया है, मेरे रजिस्टर्ड हो गया है. कल हम डाउट नहीं करेंगे. रवि जी बार बार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. आपको ध्यान देना पड़ेगा. आपके साथ सभी साथी बैठे हैं और सब यस कह रहे हैं तो फिर भी रवि जी ने पूछ लिया तो बोल देता हूं. रवि जी 2A नहीं देखना, रवि जी 2A नहीं देखना, यही मैंने कहा. अब मैंने कहा 2B आपको देखना है. कब से देखना है एक बार चैट बॉक्स में डालिए. 2B देखना है पर कब से देखना है चैट बॉक्स में डालिए. मैंने कहा है, मैं तो चेक कर रहा हूं आप लोगों को कि आप लोग मुझे प्रॉपर सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं. 1 जनवरी 2022 से. परफेक्ट. चलिए कम से कम मैं ये तो मान सकता हूं कि मुझे आप लोग इतने शिद्दत के साथ इतने केयरफुली सुन रहे हैं आप लोग. एक और चीज बता दूं, 2B में आ गया तो क्रेडिट ले लेंगे ऐसा नहीं है सर. 2B में आ गया तो मैं क्रेडिट ले लूंगा ऐसा नहीं है सर. आपको पांचों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. पांचों कंडीशन कौन सी? टैक्स इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव हो गए हो, आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट 3B के जरिए कर दिया हो, आप रेगुलरली GST का रिटर्न भर रहे हो और आपकी क्रेडिट 2B में आनी चाहिए. तो एक एग्जांपल लेता हूं. मान लीजिए 30 जून को मैंने दिल्ली से माल सप्लाई किया. दिल्ली से 30 जून को मैंने इनवॉइस रेज किया, आपको अपने GSTR 1 में चढ़ा दिया. आपके 2B जून मंथ में आ गया. लेकिन माल आपको मिला, आज की डेट ले लेते हैं, 7 जुलाई को आपको माल मिला. तो जो 2B जून में दिख रहा है, जिसका माल आपको जुलाई 7 जुलाई को मिला, तो क्रेडिट आपको जून में मिलेगी या जुलाई में मिलेगी? इतना लिखना है आपको, जून या जुलाई, बताइए. 2B में आ रहा है, किस मंथ में मिलेगी? जुलाई में मिलेगी. यानी जिस मंथ में आपने माल रिसीव किया, यानी पांचों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है. चलिए परफेक्ट, आप लोगों ने ये बहुत अच्छी बात करी और सभी सही आंसर दे रहे हैं. थैंकफुल टू ऑल. एक पार्ट मैंने आपके साथ ये वाला कर, तो क्या हम इसको एक्सेस
क्लेम्ड आईटीसी कहेंगे जो 2A से मैच नहीं हो रही, ये एक्सेस क्लेम्ड में नहीं जा सकता। और मैंने दो तीन एग्जांपल आपसे डिस्कस किए कि वो कहता है फेक क्रेडिट है क्योंकि ए हुआ करता था सप्लाई चेन में, जिसके बारे में अजीत गांधी जी सबने जुलाई लिखा है चैट बॉक्स में। अब डीम्ड रिसीव करना भूल जाइए, एक्चुअल रिसीव पे आइए। इसीलिए तो पूछा था क्वेश्चन, जून में नहीं मिलेगा महावीर जी, और आप अगर 1 जनवरी से अगर ये कर रहे हैं ना गलती, और आपने क्रेडिट को अगर यूटिलाइज कर लिया है तो तैयारी कर लीजिए। इंटरेस्ट लगेगा 18% की दर से, 18% पर एनम। चलिए मैंने आपको आगाह कर दिया, सिखा दिया, पर 2A से जो डिस्प्यूट कर रहे हैं वो गलत है। अब आप मेरी बात सुनिए, अब सब ध्यान से मेरी बात सुनिए। एक और प्रॉब्लम चल रही है पूरे पैन इंडिया प्रॉब्लम चल रही है पैन इंडिया, कि आपको मैंने मान लीजिए 10 लाख रुपए का इनवॉइस रेज किया, आईजीएसटी चार्ज किया, आप भले मानस हैं, आपने मुझे पेमेंट भी कर दिया, मैंने भले मानस कहा आपको, मैंने ये पैसा गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया। हो रहा है ना पूरा पैन इंडिया, पूरे पैन इंडिया ये दिक्कत आ रही है कि ये सप्लायर ने टैक्स का पैसा तो ले लिया लेकिन जमा नहीं कराया। अब आप लोग मुझे बताइए, मैं आप सभी से जानना चाहता हूं और समझना चाहता हूं, आपने तो सप्लायर को दे दिया, सप्लायर ने जमा नहीं कराया, आपको क्रेडिट मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाँ या ना, यस या नो कीजिए बस आप चैट बॉक्स में। संदीप भाई बहुत मुश्किल है, इतना समझाने के बाद भी लोग म्यूट नहीं करना चाहते अपने आप। चलिए ध्यान से आप सुनिए मेरी बात, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात आप लोग, आपने तो सप्लायर को पे कर दिया था, सप्लायर ने जमा नहीं कराया, सप्लायर ने जमा नहीं कराया, इसमें आपकी कोई गलती है क्या, बायर की कोई गलती है क्या? आप बताइए यस या नो, आपकी कोई गलती है क्या? डिपार्टमेंट क्यों आपसे कहता है कि आपको मैं क्रेडिट नहीं दूंगा? डिपार्टमेंट आपसे क्यों कहता है, बायर से क्यों कहता है मैं क्रेडिट आपको नहीं दूंगा? अगर आपको क्रेडिट नहीं मिली तो ये डबल बेमी नहीं हो गया? आपने सप्लायर को भी दे दिया, आपको क्रेडिट भी नहीं मिली, और उतना ही पैसा अब आप अपने कैश से आउटवर्ड टैक्स में जमा करेंगे, तो यानी डबल हो गया ना, ये सही नहीं है। हाँ एक प्रोविजन है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी जो बोलता है कि सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया हो, और ये तो गलत है, इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट करेक्ट। अब मैं आपको इस पे कुछ आंसर दे देता हूं जिससे आपके लिए क्लैरिटी हो जाए कि हाँ ये मैंने जो बात आपको समझाई ये क्रिस्टल क्लियर है। ध्यान रखिए, एक ऐसा ही केस प्री जीएसटी में सेंट्रल एक्साइज में जब सैंडबेट की हम क्रेडिट लेते थे ना, तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में कहा, के इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कहा कि आप बायर की क्रेडिट को डिनाई नहीं कर सकते फॉर सप्लायर्स फॉल्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। यानी मैंने प्री जीएसटी में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको दिया,
जीएसटी रजीम में भी, जीएसटी रजीम में एक केस मदुराई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट में पहुंचा, डी वाई बेथल इंटरप्राइजेज। और इस जजमेंट में क्या हुआ मालूम है? सेम केस था, आपने बायर को दे दिया, बायर ने जमा नहीं कराया और डिपार्टमेंट आपके पास पहुंच गया और आपसे कहने लगा कि आप इस क्रेडिट को रिवर्स करो अलोंग विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, ऐसा कहा। ये बायर चला गया मद्रास हाईकोर्ट में, रिट पिटीशन डाल दी उसने, और रिट पिटीशन में उसने दो आर्गुमेंट लिए, दो आर्गुमेंट जो आपके भी आर्गुमेंट है। पहला आर्गुमेंट, मिलोट हम दोनों को रजिस्ट्रेशन देने वाला तो डिपार्टमेंट ही है और इनको मालूम है कि बिमल डिफॉल्टर है, सप्लायर डिफॉल्टर है, ये सप्लायर को जाके क्यों नहीं पकड़ते, ये मेरे पास क्यों आते हैं और मुझसे कहते हैं तू रिवर्स कर, सप्लायर को पकड़े। आर्गुमेंट सही है ना, यस या नो चैट बॉक्स में बताइए, पहला आर्गुमेंट ये सही है या नहीं है, यस और नो चैट बॉक्स में आप बताइए, यस या नो बताइए चैट बॉक्स में। यस, आर्गुमेंट एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल अंकित भाई कहते हैं परफेक्ट है तो मैंने भी परफेक्ट वर्ड इनका यूज कर लिया मैंने, बिल्कुल। और दूसरा आर्गुमेंट, मिलोर्ड जब तक 2A नहीं आया था, 2A देखिए सम टाइम बिगनिंग ऑफ 2019 आया था, जनवरी 2019 के आसपास आया था, जब तक 2A नहीं आया था तो प्रायर टू जनवरी 2019 आपको एज ए बायर मालूम ही नहीं था कि आपके सप्लाई जिसको आपने पेमेंट किया उसने जमा कराया या नहीं कराया, एम आई राइट? आप समझ गए ना, आपने तो पेमेंट दिया था सप्लायर को, 2A नहीं आया था तो आपको तो मालूम ही नहीं है, मैं सही कह रहा हूं ना? तो एक डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी मैंने भी कहा था ना, You cannot compel a person to do something impossible. आप genuine and honest buyer थे, 2A department को लेके आना था, government को लेके आना था, ये लेके आए नहीं। अब आपको कहां मालूम कि बिमल ने पैसा लेने के बाद भी जमा नहीं कराया? Doctrine of impossibility. I hope I'm clear to all of you. अब मैं तीसरा आर्गुमेंट लेता हूं जो कोर्ट में कभी डिस्कस नहीं हुआ, बट मैं डिस्कस करता हूं आप सभी से। 2A आने के बाद भी, 2A अगर आ गया है तो क्या आप सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि आपके सप्लायर ने टैक्स जमा करा दिया है? यस या नो बताइए चैट बॉक्स में। 2A आ गया, क्या आप सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि आपके सप्लायर ने टैक्स जमा करा दिया? नहीं सर, नहीं, नहीं हो सकता। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मान लीजिए मैं सप्लायर हूं, मैंने 10 लाख की इनवॉइसेस रेज की है, मान लीजिए, ज़ूम कर लीजिए। अब 10 लाख में 2 लाख की इनवॉइस मैंने आपको दी है, 2 लाख की इनवॉइस मैंने 10 लाख का भरा, एक सिचुएशन ऐसी होती है। लेकिन अगर मैं 8 लाख का भरूं और 3B भी मैं 8 लाख का भरूं, तो आप 2A में अगर मेरा स्टेटस देखेंगे ना तो आपको दिखेगा फाइल्ड, स्टेटस फाइल्ड, बट आपको मालूम है कि वो 2 लाख की इनवॉइस अभी तक बिमल ने नहीं चढ़ाई है। यानी 2A आने के बाद भी आप 100% ये नहीं कह सकते कि बिमल ने जो टैक्स कलेक्ट किया है वो जमा करा दिया है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? से यस एंड नो, यस एंड नो कीजिए चैट बॉक्स में, जिससे मुझे मालूम पड़ जाए कि हाँ आप मेरी बात समझ रहे हैं। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच. आप लोग मेहनत करके चैट बॉक्स थोड़ा लिख रहे हैं मेरे लिए, यस नो कर रहे हैं, और कई लोग तो सर तक भी लिख रहे हैं, तो वो उतना रिगार्ड्स पास ऑन कर रहे हैं मुझे. थैंक यू वेरी मच इसके लिए बालरब जी, थैंक यू वेरी मच. अब देखिए, मद्रास हाई कोर्ट ने यह कहा तुम बायर से रिवर्सल नहीं मांग सकते, नहीं मांग सकते. तुमको पहले इन्वेस्टिगेशन डिफॉल्टिंग सप्लायर के अगेंस्ट में स्टार्ट करनी पड़ेगी. तुमने रजिस्ट्रेशन दिया है सप्लायर को भी, मालूम है सप्लायर ने जमा नहीं कराया, सप्लायर को पहले जाके पकड़ो. सीधे तुम बायर के पास नहीं जा सकते. यही तो हम चाह रहे हैं, चाह रहे ना हम यही चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, बताइए. हम चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, यस या नो बताइए. हम यही चाह रहे हैं, हम यही चाह रहे हैं, और यही हमारा जजमेंट है. डी वाई बेथल इंटरप्राइजेज. देखिए मैं एक चीज बताऊं, आप लोगों से पहली बार मुझे रूबरू करने का मौका मिला है. संदीप भाई ने मुझे बड़ी अच्छी तरीके से कल लिख के बोल दिया था कि जैन साहब आपको हिंदी ज्यादा यूज करनी है. तो हिंदी ज्यादा यूज करनी है तो मैं कोशिश भी कर रहा हूं. अब कोई बल्लभ मेटल्स वाले हैं वो बोल रहे हैं पर ऐसा हो नहीं रहा, इसके लिए तो आपको लिटिगेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको बिमल जी के ऑफिस में आना पड़ेगा, हम करवा के देंगे आपको. इनिशिएट करना पड़ेगा, करेज दिखाना पड़ेगा, ठीक है जी. डी वाई बेथल इंटरप्राइजेज. बट अब एक चेंज आया, प्रोविजन चेंज आया, सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 रेड विथ रूल 37A. रूल 37A, अब ध्यान से सुनिए आप लोग, ध्यान से. 37A क्या बोलता है मालूम है? मान लीजिए मैंने एक इनवॉइस, मैंने फर्स्ट मई 2022 को 22-23 फाइनेंशियल ईयर था, आपने मुझे पेमेंट कर दिया सप्लायर को, पर सप्लायर ने जमा नहीं कराया. तो ये जो 41 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट रेड विद 37A जो मैं बता रहा हूं उसके हिसाब से सुनिए. आपको बिंदास क्रेडिट मिल जाएगी, आप क्रेडिट ले लीजिए. इसमें बस दो बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा. क्रेडिट आपने फर्स्ट मई 2022 जब बिमल ने सप्लायर ने इनवॉइस रेज किया था, आप क्रेडिट ले लीजिए. लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये सप्लायर बाय 30 सितंबर 2023 तक, 22-23 का ट्रांजेक्शन था फाइनेंशियल ईयर, 30 सितंबर 2023 तक इसका पेमेंट कर दे. इनवॉइस फर्स्ट मई 2022 की थी, आपने क्रेडिट ले ली, आपको रिवर्सल नहीं करना. यह ध्यान रखना है कि यह सप्लायर आपका कब तक पेमेंट कर दे, 30 सितंबर 2023 तक कर दे. अगर इसने 30 सितंबर 2023 तक पेमेंट नहीं किया तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा. और कब करना पड़ेगा? 30 नवंबर 2023 को. 30 नवंबर 2023 को रिवर्स करना पड़ेगा. Am I clear to all? पहले आप समझ लीजिए कल्पना जी, पहले मेरी बात सुनिए, फिर मैं सारी चीजों को टच करूंगा. आप लोग बस समझते जाइए. और 41 सबसेक्शन 2 बोलता है कि इंटरेस्ट भी लगेगा. तो देखिए, इंटरेस्ट तब लगेगा
जब मान लीजिए क्रेडिट आपने ली हो जो रॉन्गली अवेल्ड क्रेडिट थी और आपने यूटिलाइज कर ली हो, अगर आपने यूटिलाइज नहीं की है तो आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो यानी आप 30 नवंबर 2023 को रिवर्सल करेंगे। अब मान लीजिए आपके सप्लायर ने इसका पेमेंट किया अप्रैल 2024 में जाके पेमेंट किया, तो अब मैं आपको 22-23 की ट्रांजेक्शन थी, अप्रैल 2024 में जाके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट किया जिसका आपने रिवर्सल कर दिया था 30 नवंबर 2023 को, आपको रीअवेलमेंट क्रेडिट मिलेगी क्या? आप रीअवेल कर पाएंगे क्या? हाँ या ना कीजिए, बताइए हाँ या ना, प्लीज बताइए। आपको यस एंड नो करना है चैट बॉक्स में और कुछ नहीं करना, और आपको बस सिर्फ अपने मन में जो आंसर आए वो कीजिए, यस एंड नो, गलत है गलत, सही है सही, कुछ भी हो कीजिए आप। मुझे ये लगना चाहिए कि आप कोशिश कर रहे हैं मेरे साथ। आपको 100% क्रेडिट मिल जाएगी, 100%, और रीअवेलमेंट के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, तो आपको क्रेडिट मिल जाएगी। आपको मेरी ये सारी बात सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी रेट विथ 41 सबसेक्शन 2 रेट विथ रूल 37A होप आपको समझ में आ गई होगी। बताइए यस एंड नो, यस एंड नो कीजिए चैट बॉक्स में। समझ में आ गई है गोयल साहब? आर गोयल साहब ने कहा समझ में आ गई है, थैंक यू वेरी मच। अब मैं एक चीज आप सबको बताता हूं, चलिए एक चीज बताता हूं। आज की डेट में प्रॉब्लम क्या चल रही है मालूम है? सर ये सप्लायर कभी 1 भरता है कभी नहीं भरता, 1 भरता है तो 2A में आ जाता है, नहीं भरता तो 2A में नहीं आता, कभी 3B भर रहा है कभी नहीं भर रहा, कभी उसके 1 और 3B में, सप्लायर के 1 और 3B में मिसमैच रहता है। सर कहां कहां कितना चेक करें सर, हम जेन्युइन एंड ऑनेस्ट बायर है सर, ये हमारी प्रॉब्लम कब सॉल्व होने वाली है? तो आज मैं आपको एक आंसर देके जा रहा हूं, आप आने वाले 6 महीने से 12 महीने का टाइम आज नोट कर लीजिए, 7 जुलाई 2023 को आने वाले 6 महीने से 12 महीने में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब कैसे होगी आप जानना चाहेंगे राइट, तो मैं आपको बताता हूं, मैं 4 स्टेप्स आपको बताता हूं जो गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट कर दिए हैं, और आने वाले टाइम में इन 4 स्टेप्स के जरिए आप देखेंगे ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। बट इस 4 स्टेप्स की जो मेन थीम है वो है नो योर सप्लायर। आप बायर है ना, आप रिसिपिएंट है ना, आपके लिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सप्लायर को जानिए, नो योर सप्लायर। आप मेटल इंडस्ट्री में हैं, आपने कभी जाके सप्लायर का वेयरहाउस नहीं देखा होगा, 100 गज का यू नो ऑफिस वेयरहाउस होता था, माल टन टन रखता कहां था वो? सर अब वो नहीं चलेगा, वो दिन लद गए। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इज टाइटनिंग नाउ, अब जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं, जो वाकई जीएसटी में जीएसटी के हिसाब से काम करना चाहते हैं वही सरवाइव करेंगे। अच्छा है ना, ये अनऑर्गेनाइज्ड वाले बाहर जाएं,
इन्हीं ने हमारे पूरे ट्रेड के अंदर ये सारे नाटक किए हैं और इन्हीं की वजह से जो प्रोविजन जो स्ट्रिंजेंट प्रोविजन लाए जाते हैं वो इन्हीं की वजह से लाए जाते हैं और परेशान होता है बेचारा जेन्युइन एंड ऑनेस्ट टैक्स पेयर। अब मैं आपको बताता हूं ये नो योर सप्लायर का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपका सप्लायर है कौन, जाके उसका वेयर हाउस देख के आइए, उससे भी बात कीजिए कि वो बंदा है भी या नहीं भी। नो योर सप्लायर। तो मैं आपको बता दूं अब जितने फेक रजिस्ट्रेशन हुए हैं ना उसमें से 25% रजिस्ट्रेशन फेक पाए गए हैं। मोर देन 65,000 फेक रजिस्ट्रेशन पाए गए, 25% फेक मिले, जेन्युइनली फेक मिले। कैसे फेक मिले मालूम है? या उनका पैन और आधार कार्ड मिसयूटिलाइज किया गया, किसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का किसी का पैन किसी का आधार, जगह ऐसी चूज कर लिया वो जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती है, चाय वाले की दुकान है और वहां से टन टन का बिजनेस हो रहा है और हमने कभी देखा नहीं। सर अगर आप कहेंगे ना कि नहीं मैं नहीं देख सकता तो सर तैयार रहिए, फिर आप नहीं देख सकते तो आपकी विडंबना। अब आपके घर में जाके आपका बिजनेस तो मैं करूंगा नहीं, करना तो आप ही को है, पैसा रोकड़ा आप ही के पास जा रहा है तो करना तो आप ही को पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अब मैं चार स्टेप्स बता दूं, चार स्टेप्स कैसे हैं और कैसे इंप्रूव करेंगे। मान लीजिए मैं आपका सप्लायर हूं, मैं कई बार टैक्स का पेमेंट नहीं करता, 3B नहीं भरता और आप परेशान रहते हैं, हमेशा हमेशा परेशान रहते हैं। तो एक रूल 59 सब रूल 6 आ गया, रूल 59 सब रूल 6, वो ये कहता है कि अगर आपका सप्लायर जुलाई मंथ का अगर 1 भरना चाहता है ना, जुलाई मंथ का 1, तो उसे इंश्योर करना पड़ेगा कि उसने जून का 3B भर दिया हो, जून का 3B भर दिया हो तभी वो जुलाई का 1 भर पाएगा, अदरवाइज वो जुलाई का 1 नहीं भर पाएगा। यानी आपका सप्लायर 3B भर रहा है या नहीं भर रहा, अब ये तो कंडीशन ही हो गई। आप भी तो किसी के सप्लायर होंगे, आप भी तो होंगे, अगर आप 3B नहीं भर रहे ना तो आप 1 नहीं भर पाएंगे। पहला एक्सप्लेनेशन, सेकंड एक्सप्लेनेशन 75 सबसेक्शन 12। कई बार हम ड्रामा करते हैं 1 vs 3B में, 1 हमने 10 लाख का दिखा दिया और 3B 1 लाख का भरते हैं, होता है ना कई बार। अगर ड्रामा करते हैं तो बंद कर दीजिए, हाँ मिस्टेक हो गई है तो उसका रास्ता है, मिस्टेक का रास्ता मैं बाद में बताता हूं, और मिस्टेक तो कभी कभी होगी ना, हैबिचुअल थोड़ी होगी, मिस्टेक तो बंदा कभी कभी करेगा ना, एक बार दो बार। जो ड्रामा हमेशा करते हैं कि 1 10 से भरा है जिससे 2A में क्रेडिट पास ऑन करते हैं और जमा कितना किया 1 लाख रुपया, 9 लाख का डिफरेंस हो गया सर, 9 लाख के डिफरेंस को उनने कह दिया है 75 सबसेक्शन 12 एक्सप्लेनेशन में कि ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स होगा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, और वो डिपार्टमेंट आपसे रिकवर करेगा विदाउट इश्यूएंस ऑफ सो कॉज नोटिस, आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देगा सर। अगर एक दो बार गलती होती है तो मैं आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज नहीं होने दूंगा, मैं नहीं होने दूंगा, गारंटी देता हूं आपको। गलती हो जाती है कई बार हमसे, बट आप हैबिचुअली ऐसा करें इसका मतलब जानबूझ के आप ड्रामा करते हैं। 1 लाख की आउटवर्ड सप्लाई होती है बट जानबूझ के 10 लाख दिखाते जिससे क्रेडिट पास ऑन हो जाए, और जमा कितना देते हैं 1 लाख रुपया। अब नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आप जो उनके पास रूल 88C एक इंट्रोड्यूस कर दिया गया है सर,
आपके पास एक नोटिस आएगा पार्ट ए डीआरसी 01B, आपसे पूछा जाएगा आपके 1 और 3B में मिसमैच क्यों है। या तो आप डिफरेंशियल पे कर दीजिए या रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई तो एक दो बार ही बनेगा ना, अगर गलती हो गई होगी तो बार बार करेंगे तो उनको भी तो समझ है। सो जाग जाइए, जाग जाओ, जैसे बोलते नहीं है वो, इसे अलार्म। ये सेकंड बात हुई आपके लिए। अब आती है तीसरी बात, सेक्शन 37। अगर मुझे जुलाई का 1 भरना है ना, तो मुझे इंश्योर करना पड़ेगा मेरा जून तक का 1 गया हुआ होना चाहिए। यानी कई बार मेरा सप्लायर 1 नहीं भर रहा, परेशान रहते हैं, वो हो गई नहीं, जून तक का उसे भरना ही पड़ेगा, तभी वो जुलाई का 1 भर पाएगा। और चौथी कंडीशन, सेक्शन 39, अगर मुझे जुलाई मंथ का 3B भरना है तो सबसे पहले 1 भरना पड़ेगा, तभी 3B अनेबल्ड होगा मेरा और तभी मैं 3B भर पाऊंगा। और जब तक मैं 1 नहीं भरूंगा 3B नहीं जाएगा। यानी अल्टीमेटली ये सारे कॉम्प्लायंसेस को अगर आप देखें तो सिक्वेंशियली अगर आप इन चीजों को चेक करेंगे तो बायर के पास जो डिस्प्यूट होता था वो आने वाले टाइम में धीमे धीमे खत्म हो जाएगा। अब 1 वर्सेस 3B का मिसमैच चलेगा नहीं, सप्लायर टैक्स का पेमेंट नहीं कर रहा तो 1 भर नहीं पाएगा, उससे पुराना 1 भरना ही पड़ेगा उसे, अगर करंट मंथ का 1 भरना है तो। करंट पीरियड का अगर 1 भरना है तो 3B भरना है तो 1 को भरना ही पड़ेगा। यानी ये सिक्वेंशियली जो चीजें हैं ना, सब सप्लायर ड्रिवन हो गई हैं। आपका सप्लायर मैं और आप किसी और के सप्लायर, हम सब को फॉलो करना है। और जब हम सब फॉलो करेंगे तो ये ITC जो मैच होनी है वो मैच होना स्टार्ट हो जाएगी। बट आने वाले 6 महीने से 12 महीने लगेंगे इस काम को, ये मैं मानता हूं, पर आने वाले टाइम में ये सुधार होगा। और जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर ड्रामा करते थे, सर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, अब तो जागना पड़ेगा। और वाकई ही हमको सबको जागना है। और ये जो चोर हमारे बीच बैठे हैं ना, इनको भगाना है। अगर आप सही हैं तो मैंने आपको कई बार कहा मेरे पास आ जाइएगा, बाल बांका नहीं होने दूंगा। चोर हैं तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। अगर आपने इनवॉइस लेके क्रेडिट ली है और रेट बांटे हैं आपस में तो भोगने के लिए भी तैयार रहिए। ये उन बंदों के लिए है जो जेन्युइन एंड ऑनेस्ट हैं। तो मैंने आपको समझाया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में इंप्रूवमेंट आएगा। तो मैंने आपको INS 01 की बात की थी, आपके यहां जब इंस्पेक्शन और सर्च होगा आपको वो कॉपी दिखाएगा। कॉपी कई बार वो कॉपी देते नहीं है आपके पास, पर वो आप कॉपी देख सकते हैं। बिल्कुल देखिए जो बंदे आए उनका नाम उसमें है या नहीं है। अगर सेंट्रल वाला बंदा है तो INS 01 के ऊपर DIN नंबर होना जरूरी है, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होना जरूरी है। अगर वो DIN नंबर नहीं है तो दैट डॉक्यूमेंट इज null and void। आप वहीं पे बोल सकते हैं सर इस पे DIN नंबर नहीं है। देखिए अगर आप सही हैं तो आप ये सारी बातें बोल सकते हैं। और गलती कुछ प्रॉब्लम अगर मेरे अंदर में है तो मैं कई बार करेज नहीं दिखा पाता। तो आपको इस एस्पेक्ट को भी समझना है। अगर आपके यहां सीजर हुआ स्टॉक का बिकॉज ऑफ मिसमैच, या डॉक्यूमेंट बुक्स एंड थिंग्स का अगर मिसमैच हुआ तो आपको एक सीजर नोट दिया जाएगा INS 02।
INS 02, और अगर वो ऑर्डर ऑफ प्रोविजन चाहता है कि आप उस चीज से टच ना करें तो वो ऑर्डर ऑफ प्रोविजन INS 03 इशू करेगा। हाँ, स्टेट अगर आपके पास आता है और INS 01 लेके आता है तो उस पर डिन नंबर अभी कंपलसरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह तो रखा है कि भैया जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करो। अगर स्टेट का बंदा आपको ASMT 10 देता है फॉर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न तो उसमें डिन नंबर नहीं होता, लेकिन सेंट्रल वाला अगर देता है तो उस पर डिन नंबर होना जरूरी है, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होना जरूरी है। अब आप लोगों को कुछ बेसिक्स चीज दूं, फिर मैं क्वेश्चन आंसर्स करूंगा और आज का सेशन सम अप करूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं 1.5 घंटे से ऊपर बोल चुका हूं। कुछ क्वेश्चंस लूंगा और फिर सॉल्व करूंगा, कुछ मुझे सम अप कर लेने दीजिए, फिर अपन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरी व्हाटएवर बेस्ट पॉसिबल वे। अब मैंने आपको आज थोड़ा सा थीम बैकग्राउंड दिया और बैकग्राउंड में चीजों को समझाने की कोशिश की कि देखिए आज की डेट में चैलेंजेस क्या क्या हैं। चैलेंज दोनों तरफ है, गवर्नमेंट की तरफ भी चैलेंज है और हमारी तरफ भी चैलेंज है। क्वाइट ऑब्वियस है, जिसका पैसा गवर्नमेंट को नहीं मिला उसकी क्रेडिट वो कैसे दे देंगे, पर हमारी तरफ चैलेंज ये है हम क्या करें। हमने तो बिमल जी से माल लिया और बिमल जी तक सारी चीज ठीक दिख रही है मुझे। अब बिमल जी के पीछे L1, L2, L3 कोई चोर है तो मुझे, मैंने कहां देखा, मुझे तो मालूम तक नहीं है। तो चैलेंजेज भी हैं, इसमें डिनायल नहीं है, तो ये चैलेंज हम दोनों तरफ है। अब जो स्पेशल ड्राइव ऑल इंडिया चल रही है अगेंस्ट फेक रजिस्ट्रेशन, उसका पर्पज ये था कि हम ऐसे लोगों को फाइंड आउट करें जिन्हें फेक रजिस्ट्रेशन लिया है और जो फेक ITC पास ऑन कर रहे हैं। हमारे CBIC चेयरपर्सन ने यह भी कहा है कि अब आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका हो लेकिन वो आपसे कह दें कि आपके डायरेक्टर या पार्टनर जाके अपना बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन करा के आए। जियो टैगिंग ऑफ योर प्लेस ऑफ बिजनेस GSTN पोर्टल पे अब ये कंपलसरी हो जाएगा। चाय की दुकान पे रजिस्ट्रेशन ले लिया सर, बंद होना भी चाहिए, बहुत चोरियां हुई हैं। नहीं नहीं करते हुए भी आप 2017 से लेके आज तक मान लीजिए 3,00,000 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट को लॉस हुआ है, 3,00,000 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट को। हाँ, अब इसमें हम भी देश के भागीदार हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है नेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम इन चोरों को नहीं भगाएंगे तो ये पूरे सिस्टम को स्पॉइल करेंगे। कई बार मैं देखिए क्या चैलेंज देखा है मालूम है, मैं अगर ऑर्गेनाइज्ड हूं और रजिस्टर्ड हूं प्रॉपर तरीके से चाहता हूं, मैं माल नहीं बेच पाता। क्यों नहीं बेच पाता? मेरा माल के प्राइसेस थोड़े ज्यादा लगते हैं। माल कौन बेच रहा है? जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसने सारा लोचा कर रखा है और वो मार्केट लेके चला जाता है। हमें ऐसे लोगों को जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं और GST में नहीं आना चाहते उनको हमें पुल आउट, कार्व आउट करना पड़ेगा अगर हमें बने रहना है तो। हमें बने रहना है तो आप मेरी बात से सहमत हैं? हाँ, थोड़ा मैं एग्रेसिव बोल गया हूं बट मैंने बात देश हित में कही है। आप मेरी बात से सहमत हैं? प्लीज टेल मी, अगर सहमत हैं तो यस कीजिए, मुझे लगना चाहिए कि हाँ आप लोग मेरी बात से सहमत हैं, कि हाँ आपको मेरी बात समझ में आ रही है। बस मुझे यही चाहिए कि आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यही था मेरे लिए, आप सहमत हैं या नहीं है। दैट्स वेरी गुड। चलिए, तो 100%। तो संदीप जी, वैसे तो कहने के लिए बहुत कुछ है और आगे बढ़ने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन समय की अपनी समय सीमाएं हैं। मैंने दूसरी बात आपसे पूछनी है, आप लोगों से पूछनी है,
हाँ, डेढ़ घंटे का मैंने डिलिब्रेशन आप सभी के सामने किया, कम से कम डेढ़ घंटा आपने इंजॉय किया, आपको समझ में आया, आपको आपको आपकी बात जहां तक मैं समझा सकता था मैंने पूरी कोशिश की। आई होप मजा तो आया होगा, इतना तो आप बता सकते हैं कि हाँ मजा आया। हाँ, बाकी चीजें बहुत क्लियर थी और ये जर्नी है जिसको आगे हम साथ लेके चलेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अब संदीप जी कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं और फिर खत्म करेंगे हम। यस यस यस, तो मैं सुशील जी से गुजारिश करूंगा, लेकिन उसके पहले ये बोलना चाहूंगा कि आपने बहुत आपने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया, स्पेशली हिंदी के लिए बीच बीच में डिस्टरबेंस भी हुआ, उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन हमारे सारे मेंबर्स ने बहुत अच्छे से इसको समझा भी है और एंजॉय भी किया है। मैं सुशील जी को से गुजारिश करूंगा कि जो भी क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करें। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है सभी को? थैंक यू विमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो वैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है और जनरली हमारे स्पीकर आधा इंग्लिश आधा हिंदी बोलते हैं, तो आधा समझ में आता है आधा नहीं आता है, बट यू डिड वेरी वेल जॉब एंड आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। एक चीज आपसे मान लेनी चाहिए कि जिन्होंने गलतियां की हैं उनको तो भुगतना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, और अगर नहीं किए हैं तो विमल जी बैठे हैं आपको बचाने के लिए, तो थैंक यू वेरी मच। एक विमल जी, एक क्वेश्चन आया था हमारे पास कि एक किसी पार्टी ने पेमेंट नहीं रोक रखी है, उसको सप्लाई हो गया है, क्या हम उसके जीएसटी रिवर्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अभी तो नुकसान माल का भी हो रहा है और जीएसटी का भी हो रहा है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा इशू है पैन इंडिया, मैंने सप्लाई भी कर दिया और जीएसटी भी मैंने जमा करा दिया है, और आपका बायर आपको पैसा नहीं दे रहा। yes. अब देखिए, जीएसटी में प्रोविजन यह है कि आपका बायर अगर 180 दिन में पेमेंट नहीं करेगा, 180 डेज में, तो आपके बायर को जीएसटी का क्रेडिट का रिवर्सल करना पड़ेगा 100% क्रेडिट रिवर्सल का प्रोविजन है, करना पड़ेगा। अब ये पेमेंट जो नहीं आ रहा, एक ये कॉमर्शियल डिस्प्यूट हो गया आपका, जीएसटी में सिर्फ रिवर्सल का प्रोविजन है कि रिसीपिएंट फेल्स टू पे विद इन 180 डेज ही नीड टू रिवर्स क्रेडिट अलोंग विद इंटरेस्ट। अच्छा, लेकिन अगर आप, हाँ, लेकिन अगर आप चाहें कि भाई मैं सप्लायर से पैसा कैसे लूं, कैसे लेना है, तो ये सिविल डिस्प्यूट में चला जाएगा। हाँ, आप ये अलार्म जरूर दे सकते हैं, आपको लगता है कि ये बंदा क्रेडिट लेके बैठा हुआ है और मुझे पेमेंट नहीं दे रहा, 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, तो आप डिपार्टमेंट को इंटीमेट भी कर दीजिए अननिमस करके कि भैया इसको मैंने माल बेचा है, 180 दिन हो गए, ये मुझे तो पेमेंट कर नहीं रहा, हो सकता है क्रेडिट लेके भी बैठा हुआ हो और रिवर्स नहीं किया हुआ हो, तो हो सकता है इस तरीके से उसकी भी नॉलेज में आ, लेकिन ऐसा करने से पहले उसको रिमाइंड कराइए। एक सॉरी सॉरी, आप बोलिए प्लीज। उसको रिमाइंड कराइए, और सिविल डिस्प्यूट में कई बार दोनों तरफ से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको आप लोग पहले इनिशियली सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, फिर डिपार्टमेंट के पास जाइए। दैट इज माई आंसर। क्या इसमें जैसे पार्ट पेमेंट आ चुका है तो क्या पूरी जीएसटी रिवर्स हो सकती है या जितने अमाउंट की? पार्ट रिवर्सल। अच्छा, पार्ट रिवर्स ही होगी। अच्छा, एक हमारे हैं हमारे मेंबर, उनका लेटर आया था कि 17-18 में कोई फेक इनवॉइस से सप्लाई हुआ है और जीएसटी डिपार्टमेंट अभी 21-22 में उनको नोटिस आया है कि भाई भाई साहब अब वो कंपनी नहीं है, तो वो पूरा पेनल्टी के साथ आपको भरना पड़ेगा। तब तक वो बराबर कंपनी थी, 2020 तक वो वर्किंग में था, एवरीथिंग वाज देयर। एक्सटेंड नहीं करते, मैंने इस पार्ट को बड़ी अच्छी तरह से कवर कर लिया था। ठीक है, लिटिगेट करना पड़ेगा। लिटिगेट, ओके। मेरे ख्याल से कोई हमारे मेंबर हैं, श्री रोहित भाई का कोई क्वेश्चन था, आई थिंक रोहित भाई हैं इस वक्त। मैं पूछना चाहता हूं। यस, आई एम देयर। यस यस, विमल जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने कहा कि नो योर सप्लायर,
अब जैसे टाटा कंपनी है और कई ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी है जिनके यहाँ हजारों सप्लायर है, क्या वो कंपनी उनके केवाईएस कर पाएंगी? जैसे आपने कहा यू शुड गो एंड सी द फिजिकली वेयरहाउस ऑफ योर सप्लायर, हाउ सी आई एम सेइंग दैट इट इज समटाइम प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, यस, बट we can always have our own due diligence. See, whenever we are doing business, to my knowledge, we understand where things are right and where things can be wrong. So it is the due diligence process need to be evaluated and developed accordingly. So I'm not saying that you should do everything 100%. I'm only saying that over a period of time, sequential filing is being introduced, but it is in our advantage for the buyer, for the recipient. They have to have some protection mechanism developed within themselves. And that is how we have to proceed further. Okay, one more question is that if the GST office is not uploading the any order passing by the GST office, and if the SSE want to go for appeal, please go and meet with the commissioner concerned, write a letter, okay, and take acknowledgement, okay, and meet with the commissioner. Keep this letter in your hand so that tomorrow if at all we want to take any legal course of action, we would be having some remedy to present to higher up authority that in spite of our so many reminders, department is not acting. Do like that. Okay. One more question is that, जैसे आपने अभी कहा कि 25% नहीं आप किसी दूसरे को दीजिए. हाँ. नहीं 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 रोहित भाई हम एक एनवी एसोसिएट्स करके हैं, एनवी एसोसिएट्स आई थिंक वो लाइन पर नहीं है इस वक्त मुझे लग रहा है. मैं पूछना चाहता हूँ ऋषिक कोठारी. हाँ जी मैं पूछना चाहता हूँ. हाँ बोलिए आप बोलिए. मैं पूछ सकता हूँ क्या? हाँ जी सुन रहे हैं आपको. हाँ मेरा ऐसा प्रश्न था जीएसटी में जैसे पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन के लिए आदमी आता है पुलिस डिपार्टमेंट से, उसका पूरा वेरिफिकेशन करता है कि वो आदमी है या नहीं है, तो ऐसे जीएसटी डिपार्टमेंट उनको नंबर देने के पहले वो आदमी को देखे, उसकी जगह देखे, उसकी कैपेसिटी कितनी है, और वो पहले अप्लाई करे कि मुझे इतना सेल पहले जीएसटी डिपार्टमेंट करे कि पहले वो इतना सेल करके दिखावे ताकि वो उसका पता चल जावे, उसके बाद गोदाम कहाँ है, कहाँ से कहाँ गेन किया है, उसके बाद में परमानेंट नंबर देवे, तो ऐसा प्रोविजन हम कर सकते हैं कि नहीं? और दूसरा जो हम माल परचेज करते हैं तो जैसे पहले सारा एड्रेस पूरा होता था तो पूरा एड्रेस नहीं देवे उसमें, लेकिन उसने जो माल खुद का है मैन्युफैक्चरिंग किया है इंपोर्ट किया है या ट्रेडिंग किया है वो लिखे और जगह का स्थान लिखे, तो ज्यादा गिनकर उसके पास में क्रेडिट अभी कितनी है वो एक लिखे उसमें, ये हम उसको सुझाव देवे जीएसटी को तो दे सकते हैं या नहीं? रसिक भाई आपका पहला सुझाव तो अच्छा था जिसपे गवर्नमेंट काम कर रही है. अब गवर्नमेंट ने तीन कैटेगरी बना दी है रजिस्ट्रेशन के लिए, रिस्की, हाई रिस्की, मीडियम एंड लो. अगर कोई हाई रिस्की रजिस्ट्रेशन उनके पास जाएगा तो उन्हें कंपल्सरली प्रॉपर ऑफिसर के लिए कह दिया है कि तुम जाके फिजिकली वेरीफाई करके आओगे, तब जाके रजिस्ट्रेशन दोगे. तो गवर्नमेंट ने आपकी ये बात सुन रखी है और वो उस पे उन्हें वर्क करना चालू कर दिया है जी. अब रही दूसरी बात कि वो सारी चीज डाले, ट्रेडिंग का था, यहां से आया था, इंपोर्ट का था, तो ये तो आप बिजनेस को कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे. बहुत से बिजनेसमैन नहीं चाहेंगे सर इतनी कॉम्प्लिकेशन हमारे बिजनेस में आए,
मैंने माल खरीदा या इंपोर्ट किया, मेरा माल परचेज का है और जिसका इनवर्ड आ रहा है मेरे पास 2A में, 2A में इनवर्ड आता है तो इंट्रा स्टेट भी आता है, इंटर भी आता है और इंपोर्ट भी आता है, तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें वहां से क्रॉस चेक और वेरीफाई हो जाएंगी। हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी ध्यान रखना है। रसिक भाई यही मैं कहूंगा, तो वो भी क्रॉस चेक हो जाती है। नहीं पर पहले वेट अलग था और एक्साइज अलग थी और एक्साइज में सारा डिटेल दिखाई आता ही था, तो अब तो नाम तो नहीं देना है, एड्रेस भी उसको नहीं देना है, लेकिन और डिटेल देनी जरूरी होने से और आपके पास क्रेडिट कितनी है तो उससे भी एक बहुत बड़ा मिलेगा कि फेक बिल नहीं बनेंगे। आप चेक कर लीजिए, अपने बीएमई को भेज दीजिए, इनको सही लगेगा तो आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ प्रदीप जी शेट्टी करके हैं, जिनको कोई क्वेश्चन रेज करना है। प्रदीप शेट्टी, हेलो। हाँ सुन सकते हैं। हाँ सर, सी देखिए, अगर आई एम अ बायर, अभी मुझे मटेरियल खरीद, अभी मैं मुंबई में हूँ सपोज, अभी मुझे मटेरियल खरीदना है, कोई पार्टी हैदराबाद में उनसे लेना है, राइट, एंड ही इज अ न्यू पार्टी, सो मैं जनरली क्या करता हूँ, जीएसटी पोर्टल में जाके उसका रिटर्न सब चेक करता हूँ, वेदर इज अ रेगुलर फाइलर, वो सब मैं चेक कर लेता हूँ, एंड उसके आगे तो मैं कुछ चेक नहीं कर सकता हूँ। इन सच अ केस कैन आई बाय मटेरियल फ्रॉम दिस न्यू सप्लायर, राइट, बिकॉज आजकल बी टू बी पोर्टल से काफी जन कॉल करते हैं, भाई हमारे पास मटेरियल है आपको चाहिए क्या, सो हाउ डू यू एड्रेस दिस इशू, राइट। This is a little tricky issue. Quite obvious when you're sitting at Mumbai and want to buy something from Hyderabad, you can't go and physically check each of the time which supplier exists or not exists. But you can always cross-check, which you're doing as on date, his status on GST portal and through other, you know, sources. And we did discuss lot many, you know, transaction during our deliberation today also. That is at most we can do and cross check and verify. To my mind, this is practical, but very difficult that every time I would be going and checking out the, you know, physical warehouse and stuff of my supplier, very, very difficult. So whatever precaution you are doing, you have your own judgmental call. Sometime you have to really, you know, you'd be knowing that you purchased from this guy. Maybe after 2-3 transaction, 4 transactions, sometime you can ask someone to get it visited. So that you are being protected. Ultimate objective is that you should not get into a problem. So that you can decide. For that, there is no mantra, no book, no Bible. It is only your judgmental call and business call. So just to add just one more to that same question. Now, this buyer, I suppose, he happens to be, like in this case, I gave an example for a new supplier, right? If he is, say, a regular supplier, and he happens to buy a material from some other guy in the supply chain, and that happens in that supply chain, right? If it so happens that one of the supplier has done some golmaal, right? You know, some fraud bill or something. So eventually the, like, it went through a couple of hands, couple of transaction, and I bought the material. So from the liability perspective, if that guy gets caught who is like 2 or 3 lines down the in the vertical, what is the liability? The liability is of the ultimate user, or how does it go actually? The GST liability. I have given an example in my deliberation today and communicated that you can always defend yourself, that you are having all precaution documentation to substantiate your transaction was genuine. You can't go beyond the immediate supplier. Okay. So legally you are formidable. And you can always litigate those matter in case department is disputing. But as I said, over a period of time, 6 to 12 months, these kind of transaction will be diluted in a phased manner. Okay, sir. Thanks a lot. Yeah. Thank you. Next, Mahendra Mehta, our Vice President. Mera Pradeep ji, yahi hai, inke extension mein hai ki. What if anything, कोई भी आज से जो भी ट्रांजेक्शन करना है उसको सेफ और सिक्योर करने के लिए इफ वी कैन वहाँ पे कोई SOP बना के मेंबर्स को दे ताकि आगे के ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा जितना हो सके बेटर वे में सेफ एंड सिक्योर करें। मेहता साहब,
अब एसओपी तो आप गवर्नमेंट से मांगिए, गवर्नमेंट आपको एसओपी देगी? नहीं, मैं आपको उसी के ऊपर में आता हूं कि संदीप भाई आपको बताएंगे कि हमने एसओपी मांगा था आरटीए, इनफैक्ट हमने ये फाइल भी किया था आरटीए, तो संदीप भाई आपको ब्रीफ करेंगे आरटीए में आया गया हमारा। इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगा कि मैंने राइट टू इंफॉर्मेशन में एप्लीकेशन किया था कि एसओपी फॉर सप्लायर्स कॉम्प्लायंस, तो गवर्नमेंट का जैसे जीएसटी पॉलिसी विंग में गया, फिर जीएसटी काउंसिल में गया, फिर और सीबीआईसी में गया, किसी के पास इस चीज का आंसर नहीं था। एक्चुअली गवर्नमेंट के पास भी ऐसा कोई एसओपी नहीं है कि आप सप्लायर का सप्लायर को ढूंढ सके। ये एक आरटीआई था। सेकंड आरटीआई था, मैंने कुछ सप्लायर से कुछ सर्विसेज ली थी, तो मैंने आरटीआई ये फाइल किया था कि जो सप्लायर से मैंने सर्विसेज ली है उसका बिल भी मैंने अटैच किया और ये पूछा कि भाई इनका लास्ट 2 साल का कॉम्प्लायंस रेटिंग क्या है, जो कि गवर्नमेंट ने पहले कमिट किया था एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी की भी कॉम्प्लायंस रेटिंग होगा हर किसी का। तो उसके लिए भी उन्होंने एक जवाब दे दिया कि हम थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, जबकि मैंने खुद ने उनसे बाय किया है, उसकी सर्विसेज ली है, लेकिन उस पार्टी के लिए जिससे मैंने इनवॉइस भी अटैच किया, उस पार्टी के बारे में भी गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई हम थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन नहीं देते, जबकि मेरा तो डायरेक्ट उनसे परचेस था। तो ये दो चीजें संदीप क्या डिस्प्यूट संदीप भाई एज यू एग्री विथ मी दिस इज द पेन पॉइंट फॉर व्हिच नॉट ओनली यू होल इंडिया जेन्युइन एंड ऑनेस्ट बायर इज आस्किंग द गवर्नमेंट टू कम फॉरवर्ड। Problem and irony is that we will agree that this GST got implemented without having infrastructure ready. GSTN portal was not ready. 2 and 3 never got implemented. Now they are only doing like, you know, होता नहीं है बस आज ये खराब हो गया इसमें पेच लगा दो, कल वो खराब हो गया उसमें पेच लगा दो। ऐसे हमारा GST आज की डेट में डेवलप हो रहा है। My only submission is, ऐसे केस में गवर्नमेंट को खुद ही, लेकिन अब जो मैंने आपको sequential filing वाला system बताया ना, so over a period of time, I'm not committing now, over a period of time you will find this improvement will come, but past period के लिए हमारे लिए जो pain point है वो रहेगा और उसको हमें amicable way में defend करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में देखिए रजिस्ट्रेशन को भी इन्हें स्ट्रेंथन करना चालू कर दिया है। मैंने बताया 3 कैटेगरी हाई मीडियम लो, बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन, जियो टैगिंग, फिजिकल वेरिफिकेशन, यानी गवर्नमेंट पहले 3 दिन में रजिस्ट्रेशन देती थी, वो सारे चीजें इन लोगों ने डन अवे कर दिया। तो जो चीजें जो गलतियां हुई हैं पास्ट में दे आर ओवरकमिंग दोज प्रॉब्लम एंड इन टाइम टू कम वी विल सी द इम्प्रूवमेंट पार्ट। एक अशोक बाफना है हमारे पास प्रेसिडेंट, अशोक भाई। नमस्कार विमल जी। सफल तो सैल्यूट करता हूँ, बहुत अरसे के बाद में बहुत ही बारीकी से आपने बहुत चीजें को समझाया और सुलझाया है। मेरा एक क्वेश्चन ये है सर कि हमारा एक प्रोडक्ट है, जैसे हम एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में हूँ, मेरा एक प्रोडक्ट है जिसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो ब्रास स्ट्रिप्स है और वो ब्रास स्ट्रिप्स के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट 18% है। अब मेरे यहाँ पर मैं स्लीट भी करता हूँ, एज इट इज सेल भी करता हूँ, ट्रेडिंग भी करता हूँ और सम एक्सटेंड में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी करता हूँ, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसा बनता है जिसको हम इमिटेशन ज्वेलरी कह सकते हैं, बैंगल्स टाइप की। अब वो आउटपुट प्रोडक्ट है वो 3% पे है, तो ऐसे केसेस में मेरी इनपुट क्रेडिट 18% है और मेरा आउटपुट जो है सर्टेन एक्सटेंड मटेरियल, समझ लीजिए 20% मटेरियल है, वो मैं 3% के बेस के ऊपर मैं आउटलेट सेल कर रहा हूँ वो मटेरियल बना के, ऐसे केस में मेरी जो क्रेडिट है क्या वो मैं स्पेसिफिक क्लेम कर सकता हूँ रिफंड के लिए कि भाई इतना कंज्यूम्ड मैंने जो किया है उतना मुझे क्रेडिट जो है मेरी 15% जो है, क्या वो मैं क्रेडिट क्लेम कर सकता हूँ? ये मेरा एक प्राइमा फेसा आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड मिल जाना चाहिए एंड टू माय माइंड इट इज नॉट बैड। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। लास्ट एक क्वेश्चन सर सुशील भाई, एक सिंगल क्वेश्चन सर। एक बहुत बड़ी दुविधा ये है कि जैसे बॉम्बे में काफी लोग हैं वो ऑफिसेस प्लेस से काम करते हैं, जेन्युइन ट्रेडर्स हैं, अब उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि करीबन उनके पास में यहाँ पर ऐसा कोई गोडाउन नहीं है, सारे भिवंडी गोडाउन है। अब वो यहाँ से माल लेते हैं तो बायर्स को तो खैर बिल टू शिप टू नहीं दिखा सकते हैं, पार्टी का नाम हम लोग उसको बता नहीं सकते हैं जहां से हम खरीद रहे हैं। ऐसे केस में वहां से जब हम माल डिलीवरी लेके डायरेक्ट जहां हम इंडस्ट्रीज को सप्लाई करना चाहते हैं, तो वैसे केसेस में मेरे यहाँ सिर्फ ऑफिस है मुंबई में
और मैं माल ले रहा हूँ चौधरी मेटल से दुकान से उनके यहाँ से गोडाउन से भर रहा हूँ, तो वैसे केसेस के अंदर उनको तो मैं मेरा रिवील नहीं कर सकता हूँ मेरी पार्टी का नाम शिफ्ट वगैरह, तो उस केसेस में क्या ये विदाउट गोडाउन यहाँ से मैं जो भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ उसके लिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है हमें? वो आपको डिस्पैच फ्रॉम दिखाना पड़ेगा जहां से माल चला. सी ईबे बिल जनरेट होता है आज की डेट में, आप उसकी आइडेंटिटी मत दिखाइए जिससे आपके कस्टमर को नहीं मालूम पड़े जो आप बचाना चाहते हैं. करेक्ट. तो आप उसकी आइडेंटिटी मत दिखाइए, बट डिस्पैच फ्रॉम का लोकेशन तो पूरा डालेंगे ना कि यहां से माल चला एंड डिस्पैच टू जहां माल गया. ये करना पड़ेगा, उससे क्या होगा कि कस्टमर को नहीं मालूम पड़ेगा कि भाई, लेकिन डिस्पैच फ्रॉम करने से ईबे बिल का जो कॉम्प्लायंस है वो आपने कर दिया. ओके ठीक है, राजेश भाई थैंक यू सर. ऐसे बहुत से ट्रांजेक्शन हैं जिसके ऊपर डिटेल डिस्कशन की जरूरत है और वन टू वन बिजनेस वाइज डिस्कशन की जरूरत है. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच. राजेश अग्रवाल हमारे डायरेक्टर बॉम्बे मेटल एक्सचेंज. राजेश भाई अग्रवाल. विमल जी नमस्कार. नमस्कार जी. सर आपने बताया कि अभी जो ये तो उसके लिए मतलब अल्टीमेटली डिपार्टमेंट क्या कहना चाह रही है कि आप भर दीजिए उसके बाद हम ऑर्डर पास कर देंगे. उनका बराबर यही प्रेशर रहता है कि आप वॉलंटरीली एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप भर रहे हैं और भरने के बाद में हम आपको ऑर्डर या शो कॉज इशू करेंगे और हम उनको ये कह रहे हैं कि पहले आप शो कॉज इशू करें उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है. बिकॉज अगर हम जेन्युइन है तो हमारा तो पूरा जोर है कि इसको फाइट करना है. लेकिन अभी तक के जितने भी कंसल्टेंट और जो जो लोग ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन आज आपकी बात सुनने के बाद में मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया कि अगर मैंने धंधा अगर सही किया है, मेरा गुड्स अगर डिलीवर्ड है और मेरी सर्विस इन प्लेसेस है तो मुझे उसको फाइट करना है. तो उसको फाइट करने के लिए क्या रिट पिटीशन इज द लिटिगेशन इज द ओनली वे आउट? क्योंकि उसके अंदर में बाबा जो डर लगता है कि ये पता नहीं केस कब तक चलेगा, इसमें इंटरेस्ट की लायबिलिटी इसमें जो भी है वो पता नहीं वो अमाउंट कितना बड़ा हो जाएगा. उसका तरीका ये है राजेश जी, कई बार क्या होता है ना कि मैं अगर अंडर प्रोटेस्ट जमा करा दूं. अगर मैं अंडर प्रोटेस्ट जमा करा दूं तो मेरा इंटरेस्ट मीटर रुक जाता है और फिर मैं लिटिगेट करूं. तो क्वाइट ऑब्वियस अगर मैं कॉन्फिडेंट हूं अपने ट्रांजेक्शन पे और मुझे लिटिगेट करना है तो आई एम श्योर कल 10 साल बाद मान लीजिए मेरे फेवर में आएगा, ज्यूम कर लेता हूं, पर मेरा इंटरेस्ट का मीटर तो रुक ही गया. कल अगर मेरे अगेंस्ट में जाएगा तो इंटरेस्ट तो नहीं लगेगा क्योंकि मैं रिवर्स करके बैठा हुआ हूं या पे अंडर प्रोटेस्ट करके बैठा हुआ हूं. मैं बोल रहा हूं रिवर्स पे अंडर प्रोटेस्ट, मैं एक्सेप्ट करने नहीं कह रहा. बोले ठीक है आपको लेना है ले लीजिए, लेकिन मैं अंडर प्रोटेस्ट करूंगा और लिटिगेट करूंगा. और ये भी ना एक साम दाम दंड भेद है. डिपार्टमेंट को आप एक ही तरीके से नहीं हैंडल कर सकते, किसी को किसी तरीके से, किसी को किसी तरीके से, ऐसे आपको हैंडल करना पड़ेगा. आजकल नया स्टाइल निकला है बैंक इसका धमकी और वो कर भी रहे. नहीं वो धमकी वमकी में मैं विश्वास नहीं करता. देखिए कई बार मैंने कहा ना साम दाम दंड भेद, कई बार हमारी सिचुएशन पे कई रिएक्शन बनते हैं. अगर मैं बहुत स्ट्रांग हूं तो आपने देखा होगा वो बहुत जल्दी एक्शन भी लेना नहीं चाहते. तो ऐसा नहीं है कि वो हर जगह जाके अपनी दादागिरी दिखाते हैं. तो ये भी आपने देखा होगा डिफरेंट. लेकिन उनके क्वेश्चन का आंसर ही मैं दे रहा हूं कि भाई अंडर प्रोटेस्ट आप जमा कीजिए, लिटिगेट कीजिए, और लिटिगेशन के बिना आप कैसे सस्टेन करेंगे उस चीज को और कैसे डिफेंड करेंगे अपने आप को? दैट इज माय आंसर टू यू. लेकिन अगर समझो किसी के लिए अगर ये बड़े अमाउंट होते हैं जिसके अंदर में वो बोलते हैं कि अगर इसमें आपका कहना है कि जो बेसिक आईटीसी का अमाउंट है वो आप है ना अंडर प्रोटेस्ट भर सकते हैं और उसमें जो इंटरेस्ट और पेनल्टी है वो सब्जेक्टिव हो जाएगा. हाँ बिल्कुल 100%. तो अगर सपोज इसमें कल को बहुत बड़े बड़े अमाउंट है तब तो पूरा कैपिटल इरोजन का चक्कर आ जाएगा. अरे राजेश जी ये अभी हम वेबिनार कर रहे हैं. राइट सर, प्लीज अप्रिशिएट.
फिर तो मुझे आपके फैक्चुअल में जाके बिजनेस में जाके सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। करेक्ट सर। अब आप वेबिनार में ही चाहते हैं कि मेरा पूरा एकदम रोग है और पूरा रोग निचोड़ ले महेश पंजाबी है जो बार बार मैसेज कर रहे हैं। महेश पंजाबी लास्ट क्वेश्चन क्योंकि मुझे एक और रहेगा बस एक और यस यस आई थिंक वो है नहीं। महेश जी है लाइन पर? विमल जी हाँ जी विमल जी नमस्कार सर। हाँ बोलिए आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। दूसरे सभी म्यूट कर दे प्लीज। मुझे तो परचेज की डेबिट नोट बनानी है 22-23 थी तो उसका टाइम पीरियड क्या है? डेबिट नोट का कोई टाइम पीरियड नहीं है जीएसटी में। तो जैसे मुझे 21-22 में कोई पार्टी से मैंने परचेज किया था उसकी डेबिट नोट में अभी बना सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कीजिए। डेबिट नोट के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है। डेबिट नोट के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है। थैंक यू महेश जी। लास्ट क्वेश्चन नानालाल वर्षा जैनवी से हैं। दिस इज लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। एनवी से हैं लाइन पर ऑनलाइन? आई थिंक वो भी ऑनलाइन नहीं है अभी। चलिए इसी के साथ हम हमारे रोहित जी थे एक क्वेश्चन लेना चाह रहे थे मैंने मना कर दिया था। रोहित भाई हैं आप? यस सर आई एम हियर। आप पूछिए रोहित भाई। सर मेरा सवाल ये था कि जैसे आपने कहा कि 25% फेक रजिस्ट्रेशन हुई है वो मोस्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन वाज डन बाय द जीएसटी ऑफिसर्स। रोहित भाई 65,000 उन्होंने आइडेंटिफाई किए उसमें से 25% उन्होंने फेक पाए हैं। लेट्स चांस करेक्टेड। ओके चलिए सर आप जो भी मतलब फिगर तो हमारे पास नहीं है आपके पास सही नंबर होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है पूछने का तात्पर्य ये था कि जिस ऑफिसर ने इनको नंबर दिए आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस डॉक्यूमेंट एंड एवरीथिंग वो मतलब 6 महीने के बाद पता चला ये फेक रजिस्ट्रेशन या तो पार्टी बोगस है तो उसके लिए क्या जीएसटी ऑफिसर को हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं कर पकड़ सकते? रोहित भाई कितनी अच्छी बात कही है आपने। नहीं अब आप ना कभी आपके यहाँ ये हमारे वाले जो लीडर आए ना अभी मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा बट जो बिजनेस की बात करते हैं बिजनेस को बढ़ावा की बात करते हैं आप उनको पकड़ के सुनाइएगा ये वाली बात और उनसे कहिएगा कि भैया इनको पकड़ के अंदर करो ना सर। इस देश की सबसे बड़ी कमी क्या है मालूम है सर? मैं सच बताऊं ये जब तक हम इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे ना तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। सिर्फ टैक्सपेयर की बेचारा टैक्सपेयर टैक्स भी दे बिजनेस भी करे काम भी करे सब कुछ करे इनकी भी फिक्स होना बहुत जरूरी है पर करेगा कौन? आप इन सबसे बात अब कल ही मैं न्यूज मुझे ना पब्लिक डोमेन पे बातें नहीं करनी चाहिए बट कई बार मेरे इरिटेशन उस लेवल तक पहुंच जाती है। कल ही मैं टीवी पे देख रहा था कि जो टोल वाला जो रास्ता जाता है उसमें हमारे एमएलए चाहते हैं उनके लिए स्पेशल लाइन बन जाए। कल आप लोगों ने अगर मेरा नाव देखा हो अरे टोल टैक्स हम दे रहे हैं आम आदमी दे रही है हम लाइन लगा के जाएंगे और आप एमएलए एमपी आपके लिए स्पेशल लाइन बन जाए अरे भैया फिर देश का होगा क्या? इस देश का हमारे ही देश में ऐसे नेता थे बैगनार में ही चलूंगा मैं नाम नहीं बोला आप समझ गए होंगे बैगनार ही चलाऊंगा मैं। अब आप देखिए आज क्या हो रहा है सर बहुत सी चीज है हम ना किसी दूसरी जगह पे पहुंच जाएंगे। इस देश को आगे बढ़ना है तो कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे कि हाँ देश को आगे लेके जाना है ऐसे लोगों को हमें कट करना पड़ेगा सिस्टम से कट करना पड़ेगा। विमल जी एक क्वेश्चन अभी ऑनलाइन आया कि रिफंड की कोई टाइम लिमिट है क्या? दो साल फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। ओके आई थिंक हम आप कंक्लूड करेंगे इस वेबिनार को। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अब हैंड ओवर कर रहा हूँ हमारे वाइस प्रेसिडेंट महेंद्र शाह वोट ऑफ थैंक्स के लिए और उसके पहले एक जो मोमेंटो हमने बॉम्बे मेटल एक्सचेंज की तरफ से दिया है वो फिजिकली तो हम इस वक्त नहीं दे रहे हैं लेकिन आप देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छी फ्रेम हमने एक बार जोरदार तालियां विमल जी के लिए तहे दिल से मैंने एक्सेप्ट किया। थैंक यू।
चलिए महेंद्र शाह आप हाँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए महेंद्र शाह वाइस प्रेसिडेंट बॉम्बे मेटल एक्सचेंज महेंद्र मेहता सुनील सिंह महेंद्र शाह सॉरी महेंद्र मेहता आई एम एक्सट्रीमली सॉरी विमल जी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बीएमई एसोसिएशन के सारे मेंबर्स डिग्निटरी वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग अस सच अ डीप इनसाइट नॉलेज ऑफ कोर्स यहां तो चालू हुआ है आपका आपका ट्रेलर पिक्चर तो आपके साथ में हमको सब सब कहीं ना कहीं जुड़ेंगे बट हैट्स ऑफ ये पूरा बहुत इनसाइट नॉलेज थी और सारे मेंबर्स का एक पेन एरिया है वो आपके आपके साथ में अभी सब मिलेंगे नए स्टेडियम भर जाएगा हमारा इतने मेंबर्स के इतने पेन है थैंक यू बट थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग एंड गिविंग एवरीवन विमल जी को खास थैंक यू थैंक यू आल्सो थैंक यू फ्रॉम थैंक यू विमल जी फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस ऑफ महाराष्ट्र फ्रॉम एंड बॉम्बे लॉन्ग सर्विस मेटल एसोसिएशन थैंक यू ऑल द लाइट एसोसिएशन बॉम्बे लॉन्ग सर्विस मेटल एसोसिएशन and Federation of Associations of Maharashtra Farm. मेरी उम्र 77 है सबसे बड़ी उम्र वाला मैं था सेमिनार में थैंक यू अरे